यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग यार यहाँ पर बहुत अच्छे होने वाले हैं भाई और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनादा माइकल द एलुमिनाटी के लेटेस्ट और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यार मैं कल के वीडियो में यहाँ पर बात करना चाहूँगा दोस्तों, कल के वीडियो के ऊपर इतने ज़्यादा व्यूज नहीं आए और उसका रीज़न बस ये था कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे सीन्स वगैरह थे जिनकी वजह से वीडियो 18 प्लस हो गई थी, तो उस वजह से काफ़ी लोगों तक मेरे हिसाब से वो वीडियो दोस्तों नहीं पहुँच पाई थी। जिन तक नहीं पहुँची थी एक बार कॉमेंट करके बताओ, फटाफट कर दो 5000 लाइक्स का एम कम्प्लीट और इस वीडियो के अंदर जल्दी से जाओ कमेंट करो, ठीक है? आपका कौन सा फेवरेट पार्ट है, बेसिकली कल वाला वीडियो किसने यहां पर देखा था, किसने देखा वो भी एक बारी कमेंट करके बताओ, ठीक है दोस्तों? प्लस लाइक कर दो। अभी फिलहाल आपको कल वाले एपिसोड में याद होगा वही जिसके अंदर वो था, लास्ट में मैं यहां पर आया था मिलिट्री बेस एंड मिलिट्री बेस में मैंने फाइनली 15 यहां पर सिक्योरिटी गार्ड परचेज किए हैं जो कि यहां पर इल्यूमिनेटी 5.0 है। फिलहाल वो स्टार्क मेंशन पर जा चुके हैं, ठीक है? एंड काफी वक्त हो गया है मैं अपने घर पर भी नहीं गया, मुझे अमेंडा वगैरह के भी दोस्त यहां पर बहुत ज्यादा कॉल्स वगैरह आ रहे थे, घर वाला भी चाहते हैं यहाँ पर जितने भी घर वाले हैं कि एक बार हमारे डैड घर पर आए, ठीक है ना? चलो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों। फिलहाल हम यहाँ पर जो है एक कर्नल साहब की गाड़ी है दोस्तों ये वाली, ठीक है ना, जो मेरे वाली गाड़ी है जी वैगन, उन्होंने कहा है एक दिन के लिए ज़रा मुझे यहाँ पर चलाने के लिए दो। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम चला लो, ठीक है? तो फिलहाल हम कर्नल की गाड़ी में दोस्तों जाने वाले हैं अपने घर के लिए और अंडर वाटर माफिया मुझे प्लेबॉय मेंशन के बाहर छोड़कर दोस्तों चला जाएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता यहाँ पर अमेंडा इसको देखे या फिर कुछ भी ऐसा सीन वगैरह हो। चलो चलते हैं यार, फाइनली वैसे भी रात हो चुकी है, जाते जाते तो और भी रात होने वाली है। चलो बैठो गाड़ी में, मेरे कर्नल साहब ने भी लड़के वाले शौक पाल रखे हैं। चलो जैसी भी गाड़ी है दोस्तों हमें तो लेकर जानी है ना, आराम से साउंड सुनो इसका। क्या ही खतरनाक साउंड मार रही है दोस्तों गाड़ी, एक नंबर भाई एक नंबर, एकदम खतरनाक ही मजा आ जाता है भाई। जो भी गाड़ी को सड़क पे देख रहा होगा ना देख रहा होगा कि भाई कुछ गाड़ी जा रही है, क्या गाड़ी लग रही है, पीछे देखो रे क्या आ रहा है दोस्तों, अलग ही चीज है। चलिए जल्दी है दोस्तों यहाँ से पहुंचते लॉस सैंटोस, अभी तो एक दो घंटे तो लॉस सैंटोस पहुंचने में ही लग जाएंगे। फाइनली गाइस हम लॉस सैंटोस आ चुके हैं, अपने घर के बाहर में आ गया। चलो 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 आ जा भाई, अंडर वाटर माफिया मेरी बात सुन, इधर आ, फालतू में तेरी भाभी वाभी देख लेगी मैं तेरे को यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है? तो फालतू में गुस्सा करेगी, तू गाड़ी लेकर इस टाइम चल फटाफट घर निकल, ठीक है? बाकी मैं सुबह मिलूंगा या फिर चाइनीज माफिया को बोल दूंगा वो लेने आ जाएंगे मुझे, ठीक है तू निकल। तो गाइस फिलहाल यहाँ पर ये चला गया और राइट दोस्तों वो जा चुका है, गाड़ी के साथ एनिमेशन देख रहे हो कितना तगड़ा लग रहा है वो। चलो सही है, चले गाइज हम अपने घर चलते हैं और जाकर देखते हैं। प्लस वो एक घोड़े वाला भी मुझे यहाँ पर कॉल कर रहा था, उससे भी ज़रा बातचीत करनी है, ठीक है ना? चलो उस तरफ से चलेंगे, रॉन्ग साइड है, चलिए दोस्तों निकलते हैं जल्दी से। ऑलराइट दोस्तों यहाँ पर मुझे अंडर वाटर माफिया दोस्तों यहाँ पर छोड़कर चला गया है एंड यार मैं उसको घर में नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि अगर मैं उसको दोस्तों यहाँ पर घर में लेकर जाता और अमेंडा तुम्हारी भाभी उसको देख लेती ना तो उसको यार पता चल जाता कि मैं दोबारा से इलीगल काम करने लग गया क्योंकि मैंने अमेंडा से दोस्तों यहाँ पर वादा किया था मैं कुछ भी अब ऐसा काम यहाँ पर नहीं करूँगा, इसलिए मैं अपने किसी भी दोस्त को ना दोस्तों घर के अंदर नहीं लेकर जाता हूँ, ठीक है? एंड ऑलमोस्ट मुझे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मैं अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं गया था और मुझे इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं ना दोस्तों, वो जो यहाँ पर जिसने मैंने ब्लैक कलर का एक घोड़ा मैंने मंगवाया हुआ है, ठीक है, उसके इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, वो कह रहा है अगर कल तक तुम नहीं आए तो वापस दे दूंगा। तो भाई साहब यार मुझे उसके पास भी यहाँ पर जाना पड़ेगा, घोड़ा भी लेकर आना है, ठीक है ना? चलिए आराम आराम से यार मैं अपने घर चलता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल रात हो चुकी है अब यार, चलो चलो एक तो लोग बाग ना भाई देख कर चल लो आराम से, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? एंड दोस्तों इल्यूमिनाटी यहाँ पर 2.0 सिक्योरिटी है दोस्तों, बट इसको ना सिर्फ 5.0 ही यहाँ पर मार सकती है दोस्तों, ठीक है? अदरवाइज ये नहीं मरेंगे, प्लस मैंने इनके पास ना यहाँ पर स्पेशल गन भी दे रखी है, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है भाई हमारे घर के पर्पस के लिए। चलिए हमारे घर में तो भाई कोने कोने में हमने वाली सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी करवा रखी है,
चलो अच्छी बात है। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर हमारा जंबो था, बेसिकली जो हमारा एलिफेंट था, उसको यार यहाँ पर जिमी ना वहाँ पर वेकेशंस पर लेकर गया हुआ है अपने दोस्तों के साथ, और वो किसी एक आइलैंड पर गए हुए हैं और वहीं पर जंबो को भी लेकर, क्योंकि जंबो के साथ उसकी अच्छी पटने लग गई है। अमेंडा मुझे बता रही थी, मैं डेली अपने घर वालों से फ़ोन पर तो दोस्तों यहाँ पर बातचीत करता ही रहता हूँ, तो दोस्तों अमेंडा मेरे को यहाँ पर बताई थी कि सब कुछ सही चल रहा है उनके बीच में, तो भाई वो एलिफेंट को लेकर गया, वो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए फाइनल दोस्तों हम अपने घर आ गए यार, होम स्वीट होम। सिक्योरिटी देखिए भाई साहब अपने घर की, तभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ की है, परिवार सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो मैंने अपने परिवार के लिए सबसे पहले दोस्तों काफ़ी हाईटेक सिक्योरिटी का यहाँ पर इंतज़ाम किया है, और परिवार के यूज़ के लिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। आपको पता है मेरी ब्लैक वाली जी वैगन तो यहाँ पर जो है ब्लास्ट हो गई थी, तो मैं वो नहीं चलाता हूँ, ठीक है। और प्लस यहाँ पर हमारे सारे के सारे पेट्स वगैरह भी हैं, जो कि सही है। चलो चलिए दोस्तों मैं आपको हर चीज़ ना सुबह को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैं अमेंडा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, और अपनी पूरी की पूरी दोस्तों यहाँ पर फैमिली से मिलने के लिए भी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अभी अंदर चलता हूँ, खाना पीना खाएंगे और सोते वोते, ठीक है। फिर मैं आपसे दोस्तों यहाँ पर जो सुबह को मिलता हूँ, ठीक है ना। चलिए आ जाइए गाइस, अगले दिन मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यार मैं। एंड फिलहाल यार मैं अपने यहाँ पर घर पर था, इसीलिए मैंने ना अपनी गन तो देखो मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ, इसलिए मैंने थोड़े आज घर वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि अभी मैं माफिया नहीं हूँ, ठीक है। खैर मैं यहाँ पर दोस्तों माइकल द एलुमिनाटी माफिया हूँ, बट फिलहाल अभी मैंने घर वाले कपड़े पहन लिए हैं, अभी सूट पहनेंगे जब अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, ठीक है। ये शायद से अमेंडा की या फिर अच्छा ट्रेसी की फ्रेंड है, कोई दोस्तों ट्रेसी की फ्रेंड आने वाली थी तो वो आई है। नाइस है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे हमारी बेटी के भी काफ़ी अच्छे दोस्त है, सब दोस्तों को पता चल गया है यहाँ पर, ठीक है ना। एंड दोस्तों जब से यार मैं गया हुआ था ना, जिमी जब घर पे होता है, वैसे जिमी आजकल बाहर ही रहने लग गया है, ठीक है ना, तो जब घर पर होता है तो गाड़ियों को एक बार कोल्ड स्टार्ट यहाँ पर कर लेता है सबको, बट फिलहाल एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो चुका है, गाड़ियों को किसी ने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो अगर हम गाड़ियों को मतलब इतने दिनों तक यहाँ पर स्टार्ट ना करें तो इनके अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, बैटरी लो हो जाती है कुछ इस टाइप का। तो चलिए मैं एक एक करके अपनी गाड़ियों को यहाँ पर जो है कोल्ड स्टार्ट करता हूँ। आपको पता होगा दोस्तों टैंक हमने किसी महफूज जगह पर रख दिया है, ठीक है। टैंक अब यहाँ पर नहीं है, मेरी जी वैगन ब्लास्ट हो गई थी, बस यही गाड़ियाँ हैं चार, जो कि घर के पर्पज़ के लिए दोस्तों सही भी हैं, ठीक है ना। घर वाले ज़्यादातर जाते तो है नहीं, चारों की चारों बुलेट प्रूफ भी हैं, सिर्फ उस रोल्स रॉयस को छोड़कर। चलो बैठते हैं इसमें। ये बात मेरे को यहाँ पर बहुत अच्छी लगी है, गाड़ी एकदम से दोस्तों यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है भाई, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। पहले उसमें दो से स्टार्ट हो गई, आराम से आराम से, पावर बहुत है इसमें। ओ भाई आराम से यार, मैं BMW को काफ़ी कम ही दोस्तों मैंने यहाँ पर चलाई है, मैं इतनी चलाता भी नहीं हूँ, बट जब भी चलती है ना दोस्तों गाड़ी एकदम मज़े दिला देती है, ठीक है ना, एकदम नाइस कार है। एक दिक्कत यहाँ पर हो रही है इन गाड़ियों की, बेसिकली जो दरवाजे हैं ना वो काफ़ी आवाज़ करने लग गए, चू चू कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है। ये गाड़ी देखो क्या लाइट्स इस गाड़ी की दोस्तों यहाँ पर जो है जलती हैं। एंड फ्रंट से चेक करो गाड़ी, बैक से भी। ये लैम्बोर्गिनी भाई एक तरीके से जैसे मेरे बेटे को या मेरी लड़की को कहीं पर भी जाना हो तो उनके लिए ना भाई एक हाइपर स्पोर्ट्स कार मैंने घर पर ना रखी हुई है, काफ़ी अच्छी है, लैम्बोर्गिनी है दोस्तों। और मेरे बच्चों को मैं इतनी कोई महंगे शौक़ नहीं डालता हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा महंगी महंगी गाड़ियों में घूमो, ना ना नॉर्मल लाइफ जीनी है। चलो रोल्स रॉयस को कर लेते स्टार्ट, इवन मैंने अपने बच्चों को दोस्तों यहाँ पर रोल्स रॉयस तक दे रखी है, और क्या बच्चों की जान लोगे। ओ भाई साहब ये अंडर वाटर माफिया ने हमें यहाँ पर गिफ्ट की थी, कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिनके ऊपर मैंने नंबर प्लेट ही लगाई हुई है। देखो इस गाड़ी पर भी नंबर प्लेट नहीं है, सिर्फ आगे है, ठीक है, पीछे नहीं है। और जो BMW है ना उसमें ना आ गया ना पीछे, ना जी वैगन सॉरी रेंज रोवर में ना आ गया ना पीछे, हाँ सिर्फ उसमें है, क्योंकि मैं अपनी पहचान नहीं देना चाहता ना, मेरी फैमिली वाले भाई गाड़ी को चला रहे हैं इसीलिए मैंने नंबर प्लेट भी उतार रखी है। चलो इस गाड़ी को भी स्टार्ट कर लिया। बात होती है रेंज रोवर की, इस रेंज रोवर को मैं काफ़ी चलाता था पहले, बट अब नहीं चलाता हूँ क्योंकि मुझे इतनी नीड ही नहीं पड़ती, मैंने अपने परिवार के लिए छोड़ी हुई हैं गाड़ियाँ। मैं एक से बढ़कर एक गाड़ी में दोस्तों यहाँ पर घूमता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर गाड़ी को घर से भी लेकर चले जाऊँ, फिर मेरे परिवार वाले भी ये बोलेंगे कि भाई तुमने हमारे लिए छोड़ा ही क्या है, समझ गए।
बट गाड़ियों को एक एक बार तो दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करके देखता ही रहना चाहिए, समझ गए? चलो नाइस। अब इनकी बैटरीज यहाँ पर लो वो नहीं होंगी और इंजन के अंदर ना इंजन ऑयल एक बार घूम जाएगा, ठीक है ना। चलिए फाइनल दोस्तों हमने गाड़ियों को भी एक बार चेक कर लिया है, ठीक है। अब यार ज़रा मैं चलता हूँ अपने जानवरों वगैरह को भी देख लेता हूँ। जंबो तो खैर यहाँ पर है नहीं, बट बाकी सब जो है वो ठीक है ना। मैंने सिक्योरिटी गार्ड यार यहाँ पर भी लगा रखी है क्योंकि दोस्तों रहने चाहिए, ठीक है ना। टाइसन से मिलना है, सिम्भा से मिलना है, और बेसिकली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ एक और पैंथर आया और एक और सिम्भा आया। दो लॉयन हो गए हमारे पास, दो पैंथर हो गए, हमने जोड़ा मंगा लिया दोस्तों। बाकी यहाँ पर है हस्की, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर चॉप, दो लैब्रा आ चुके हैं पग पग, और एक और है, एक और हस्की, और ये अपना टाइसन। टाइसन का घर सबसे आगे दोस्तों। तो अमेंडा बेसिकली हमने ना इन जानवरों के लिए ना यहाँ पर अपने लाइक जैसे कि होता है ना जो कि जानवरों को अच्छे से पालते हैं, उनकी देख रेख करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, इनको टाइम टू टाइम फूड हर चीज़ की दोस्तों तुम्हारे भाई ने पहले से ही सुविधा कर रखी है। तो अपने जानवर अच्छे से दोस्तों फल फूल यहाँ पर जो है रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं कि मैं अपने जानवरों को ऐसे ही छोड़ देता हूँ किसी के भी हवाले। मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं ये देखो, सबके सब कितने प्यारे लग रहे हैं यार। और मुझे देखकर मुझे ना आधे ज्यादा ना भूल गया टाइसन क्या वो बेटा, मुझे देखकर यार टाइसन भी मतलब थोड़ा ना भूला भटका सा, क्योंकि मैं घर पर ना दोस्तों थोड़ा यहाँ पर कमी रहता हूँ, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर कुछ केजेस वगैरह बन चुके हैं जिसके अंदर दो पैंथर आ गए हैं और दो लॉयन भी हैं। ये बेसिकली यहाँ पर अमेंडा का आइडिया था क्योंकि वो ये बोल रही थी इनका आपस में ना दिल नहीं लगता, इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो हम फीमेल्स भी यहाँ पर मंगा लेते हैं। तो चलो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, दो मेल हैं दो फीमेल हैं पैंथर में भी और टाइगर में भी, तो चलो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इधर हैं हमारी बहुत सारी मुर्गियाँ। तो गाइस यार मैंने मुर्गियाँ इसलिए पाली हुई हैं, आपको पता ही होगा हम घर के देसी अंडे खाते हैं, बाहर तो आजकल बहुत ज़्यादा मिलावट होने लग गई, तो मैंने अपनी फैमिली के लिए ना हर चीज़ टॉप नॉच की हुई है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से करीबन मेरे पास 50 से 60 मुर्गियाँ हैं दोस्तों, 50 से 60 है, कमी है मेरे ख्याल से। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, बट ये है जो कि अपना काम अच्छे से निभाती हैं। प्लस दोस्तों यहाँ पर दूध देने के लिए 5-5 गायें हैं जिनके दोस्तों दही मक्खन और देसी घी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बनती है, ठीक है। और मतलब ऐसा होना भी चाहिए यार फैमिली के लिए, हमने परिवार के लिए तो भाई मैं कुछ भी यहाँ पर करूँगा, ठीक है ना। तो 5-5 गायें हैं, प्लस यहाँ पर 3 चिंपैंजी हैं, और ये कुछ यहाँ पर ये पक्षी हैं। बेसिकली ये पक्षी ऐसे होते हैं लाइक जैसे कि अगर कोई मुर्गियों को कोई दूसरे पक्षी यहाँ पर परेशान करे तो उनको ट्रेनिंग दे रखी जो करते हैं। और 3 चिंपैंजी हैं हमारे पास जो कि काफ़ी अच्छे ट्रेंड हैं दोस्तों, वो इन सभी का यहाँ पर बेसिकली जानवरों का भी यहाँ पर ध्यान रखते हैं। चलो यार ये सीन भी यहाँ पर सही हो गया, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब यार मुझे ना सबसे पहले उस एनिमल एआर्क वाले के पास जो चलना होगा। अभी मैं कपड़े नहीं पहनता हूँ क्योंकि अभी मैं माइकल द इल्यूमिनाटी नहीं, अभी मैं नॉर्मल माइकल ही बनकर जो है जाने वाला हूँ, ठीक है। और मैं अकेला ही जाऊँगा वहाँ से, तो दूसरी गाड़ी में आ जाऊँगा, कौन सी चलूँ। मैं सोच रहा हूँ आज BMW लेकर चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया मैंने इस BMW को चलाया भी था। हिप हॉप एडिशन वाली गाड़ी है और मैं भाई चलाता भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता हूँ। चलो अपने जब मैं घर पर और अक्सर अगर दोस्तों रहता हूँ ना तो मैं अपनी घर वाली गाड़ियों को ही यूज़ करता हूँ, और फुल टैंक है जबकि इन गाड़ियों का देख लो। आप सभी लोग भी सोचते होंगे आयुष भाई आप इन गाड़ियों को ऐसी सड़ा रखिए चलाते नहीं हो, यार मेरे पे गाड़ियाँ चलाने के लिए इतनी सारी हैं मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। चलिए आराम से, क्या बात है दोस्तों, गाड़ी देख रहे हो भाई हवा से बातें करती है, ज़रा सी देर में ही है एकदम हवा से बातें करने लग जाती है। चलिए दोस्तों मैं गाड़ी को फुल स्पीड में भगा करना, सबसे पहले मैं निकलता हूँ दोस्तों सैंडी शॉर्ट्स के लिए। सैंडी शॉर्ट्स तो बेसिकली पहले उसकी दोस्तों यहाँ पर दुकान है, वहाँ पर चलते हैं अपने घोड़े वोड़े को देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, और फिर उसको घर भी लेकर आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए राइट गाइस, फाइनली मैं पहुँचने वाला हूँ, बट ना मैं मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ी गाड़ी को ना ऑफ रोडिंग में भी चला रहा हूँ ताकि इसके सस्पेंशन भी जो हिले उनमें भी तेल वगैरह सा जाए, व्हील्स वगैरह भी इसके चले अच्छे से, इसीलिए मैं इसको थोड़ा अंदर वाले रास्तों से लेकर चलता हूँ। क्या बात है गाड़ी भाई साहब ऐसी है, मतलब कि इतने दिनों के बाद भी चलाओगे ना तब भी एकदम ताजगी वाली फील आ रही है भाई कार के अंदर, मस्त एकदम मस्त। चलिए फाइनली पहुँच गए सामने दोस्तों, उस बंदे की यहाँ पर जो है शॉप है,
आराम से। यहाँ पर भाई लोमड़ियाँ वगैरह भी कुछ ज़्यादा हो गई। मैं पहले लोमड़ी पालने की सोच रहा था, पर दोस्तों लोमड़ी पालना, लोमड़ी जो है ना दोस्तों जंगली जानवर भी है, वो ऐसे ही नहीं मिलता, ठीक है। मैंने रैबिट्स भी पाले थे, पर दोस्तों मैंने रैबिट छुड़वा दिए, यहाँ पर अमेंडा ने छुड़वा दिए थे, क्योंकि खरगोश घर में नहीं रखते हैं। अमेंडा ने ऐसा कहीं सुना होगा या फिर पता नहीं, भाई उसकी मम्मी ने यहाँ पर बोला हुआ, इसीलिए उसने कह रही थी खरगोश नहीं पालेंगे हम, उसकी जगह वो जो पक्षी थे ना दोस्तों वो मंगवा लिए। चलो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से। फाइनली यार मैं पिछली तरफ से अपनी गाड़ी को जो है घुमाता हुआ लेकर आया हूँ आपकी बार। चलिए एनिमल एनिमल वाले पीछे ही है, पीछे पीछे। चलो चलो अब गाड़ी को भगाने का वो आ गया है टाइम। ओ भाई, अरे यार मैं इस गाड़ी को बहुत टाइम के बाद चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मतलब चल जाएगी, बट ना ना ना, इसके तो ब्रेक भी दोस्तों यहाँ पर थोड़े घिस चुके हैं। इस गाड़ी को चलाना मुसीबत से वो नहीं है, थोड़ी मुश्किल से बस चली है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये हमारे घोड़ा है क्या? हो हमारे हॉर्स को पहले ही बाहर निकाल दिया दोस्तों। और ना मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने ना कोई दोस्तों बड़ा घोड़ा नहीं मंगवाया, भी मैंने ना बच्चा ही मंगवाया है। ऑलराइट ये बाहर ही खड़ा है, तो चलो अच्छी बात हो गई। मैं इस गन को अंदर रखता हूँ। ऑलराइट दोस्तों ये है हमारा घोड़ा जो कि हमने मंगाया है, और ब्लैक कलर का मैंने इसलिए दोस्तों यहाँ पर अपने घोड़े को मंगाया क्योंकि दोस्तों ब्लैक ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है और काफ़ी क्यूट भी यहाँ पर जो है लगता है। ब्लैक कलर के अंदर चमक भी बहुत मारती है। एंड बच्चा मंगाया भी दोस्तों हमारे पास ही बड़ा होगा, अगर बड़ा घोड़ा हम मंगाते ना तो भाई वो सही ना रहता। पीछे से देखो पूछ भी अभी इसकी छोटी ही है, इधर से बेचारे को मुझे तो ऐसे लगता है दोस्तों कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है, पेट देख लो इसका कितनी अंदर घुसा हुआ है। मुझे नहीं लगता इन लोगों ने इसको कुछ यहाँ पर खिलाया पिलाया भी होगा। छोड़ो यार हम कुछ नहीं कर सकते। चलो यार मैं उसको बुलाता हूँ, धूप लगाने के लिए बाहर खड़ा किया हुआ उसको, उसको बुलाता हूँ, पेमेंट वगैरह डन करता है, किसी गाड़ी का इंतजाम करता है, फिर इसको लेकर चलता है। जैसा बोनला जैसे यहाँ पर बोला है ना, अगर उस नस्ल का ये घोड़ा ना निकला या फिर कुछ भी बीच में झोल हुआ तो मैं तेरी पाइपलाइन गोलियों से भर दूंगा, समझ गया ना तू? ठीक है चल। तो गाइस फिलहाल हमने घोड़े को यहाँ पर दोस्तों एक बेसिकली ट्रक टाइप है इसके अंदर यहाँ पर लोड किया है, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आ चुका है दोस्तों बेनी, ठीक है ना। एंड मैंने बेनी को दोस्तों यहाँ पर बोल दिया, जो हमारी BMW है ना दोस्तों इसके ब्रेक पैड्स यहाँ पर ना जंग खा गए हैं, और बेसिकली दोस्तों ब्रेक पैड्स को ना चेंज करना पड़ेगा। तो बेनी दोस्तों यहीं पर आसपास में था, पहले मैंने इसको कॉल की, इसने पूछा कहाँ हो, वी सैंडी शॉर्ट्स में था, फिर दोस्तों आधे घंटे में यहाँ पर आ गया। तो मैंने बेनी को बोल दिया, बेनी ने कहा मैं इसको आराम आराम से ले जाकर लॉस सैंटोस ले जाकर उसकी सर्विस करके घर पर ही छुड़वा दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। एंड बेनी दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर आया हुआ था, ये ट्रक या वैन टाइप का है, तो मैं इसके अंदर अपने हॉर्स को लेकर जा रहा हूँ। चलिए चलते हैं, ये कुछ ज्यादा जमीन से नहीं मिला हुआ यार बेनी। चलिए निकलते हैं, चलने में तो सही है। और बेनी बोल रहा है आराम से चलाना, पावर बहुत है इसमें। यार इसमें क्या ही पावर होगी दोस्तों, बेसिकली मसल कार टाइप है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाते हैं उस टाइप का है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, आराम से लेकर जाना पड़ेगा, प्लस हमारा घोड़ा भी दोस्तों यहाँ पर जो है नज़ारे ले रहा है। क्या बात है, आराम से आराम से। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले रास्ते से लेकर चलता हूँ इसको आराम से। थोड़ा गड्ढे लग सकता है मेरे बेटे घोड़े, आराम से बैठा रहना बस, ठीक है। गड्ढों का थोड़ा वैसे भी खतरों का खिलाड़ी है यार अपना घोड़ा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि गड्ढों का हिल रहा है क्या। आराम से चलाता हूँ, कभी गिर विर जाए यार दोस्तों। अब मेरे को काफ़ी आराम आराम से ड्राइव करके इसको जो है घर लेकर जाना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा था मुझे इस बेसिकली ट्रक के अंदर लेकर जाना पड़ सकता है इसको, बट मैंने अपने घर वालों को बताया नहीं हुआ है कि मेरे पास इतनी सारी गाड़ियाँ एकदम अमेंडा, और यहाँ पर 70 सवाल पूछती कि चोरी का पैसा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें, ठीक है। पर भाई मैं माफिया हूँ, माफिया लोग ना अपने सारे राजना हर किसी को बताया नहीं करते, चाहे वो हमारी बीवी ही क्यों ना हो, समझ गए। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। एंड दोस्तों यार आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइए मुझे अपने इस हॉर्स का दोस्तों यहाँ पर क्या ही नाम रखना चाहिए। एंड जो भी आप सब लोग यहाँ पर बोलोगे हम इसका ना दोस्तों वही यहाँ पर जो है नाम रखने भी वाले हैं, ठीक है। चलो बाकी पहले यार ये गाड़ी चल ले, इस गाड़ी को चलाना महाभारत हो रहा है, बट खैर कोई दिक्कत की बात नहीं, हम पहुँच गए।
अरे यार मुझे लगता है मैं ये छोटी गाड़ियाँ ना, अरे यार मुझे लगता है दोस्तों मैंने छोटी गाड़ियाँ चलाना ना भूल गया हूँ। बेनी की गाड़ी को मैंने 3-4 बार वो भाई 4 बार टक्कर मार दी भाई मैंने बेनी की कार से ही। मुझसे भाई ये वाली गाड़ियाँ नहीं चलती दोस्तों, मुझे ना यहाँ पर स्पोर्ट्स कार्स की और लग्जरी गाड़ियों की दोस्तों यहाँ पर जो है आदत हो चुकी है, इन गाड़ियों की अब यार बिल्कुल भी नहीं। राइट गाइस, फाइनली हम अपनी गाड़ी को भगाते भगाते दोस्तों आ चुके हैं फाइनली लॉस सैंटोस में, एंड गाड़ी की हालत देखो कैसी हो रखी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम अपने घोड़े को तो ले आए ना, और भाई मुझे यहाँ पर किसी कंपनी वाले भरोसा भी नहीं कि कैसा जानवर दे दे। जो जानवर होता है ना, जो तुम्हारा मतलब दिली करीबी चीज़ होती है, तो उसको ना खुद ही लाया जाता है बेसिकली। चलिए दरवाज़ा भी खुल गया मुझे देखते ही आराम से। ठीक है तो गाइस चलिए मैं ना इसको यहाँ पर नीचे उतारता हूँ और देखते हैं क्या दोस्तों ये हमारा यहाँ पर कहना मानता भी है या फिर नहीं पाता। बादल बेटा नीचे उतरो, बादल अभी नाम ही मेरे ख्याल से समझेगा भी नहीं, जब हम डेली डेली दोस्तों उसके यहाँ पर बादल बोलने वाले हैं ना तब दोस्तों हमारी बात यहाँ पर समझेगा भी और कुछ सुनेगा भी। आजा बादल नीचे उतर। दोस्तों बादल को नीचे उतारना पड़ेगा, काफ़ी वो है। आजा बादल जल्दी आ बेटा जल्दी आ। गाइस बादल यहाँ पर है, आजा बादल आजा। थोड़ा बहुत तो कहना मान ही रहा है, आजा आजा आजा, इसको उधर लेकर चलते हैं। आजा भाग के आ, भाग के और चलता हूँ, देखता हूँ आता है क्या। भाग के आना तो चाहिए यार इसे, भाग के ये आराम आराम से आ रहा है। नहीं भागता भी है दोस्तों, ओ तेरी कितनी तेज भागता हुआ है। आ मेरा बादल मेरा बच्चा, तेरे को ना आज से यहीं पर रहने का है, ठीक है। और तेरे खाने पीने का इंतज़ाम के लिए मुझे ना एक पर्सनल डॉक्टर, तेरी देखभाल करने के लिए हर चीज़ के लिए यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा। एंड दोस्तों यार मैंने पहले यहाँ पर सोच लिया था मुझे ना इसका नाम दोस्तों यहाँ पर बादल रखना है। अब बादल नाम आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट करके बताइए। आजा बादल आजा जल्दी आ, आ रहा है दोस्तों आ रहा है, चल रहा है चल रहा है। क्या बात है क्या बात है क्या बात है, वाह ऐसा मस्त है बादल अपना यार। चलिए यार मैं ना दोस्तों यहाँ पर कॉल करके ना बाहर ही बुला लेता हूँ दोस्तों अमेंडा को। ये घर वाला फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ मैं, माफिया वाला यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है ना। दो फ़ोन है मेरे पास, तो चलिए यार मैं कॉल करके ना अमेंडा को बाहर बुलाता हूँ, कहता हूँ बाहर आओ और तुम्हारे लिए ना मैं कुछ लेकर आया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। चलिए मैं कॉल करता हूँ उसको। हाँ चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अमेंडा बोल रही, तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फालतू का बेसिकली खर्चा वगैरह करने लग गए हो, हमें घोड़े की कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी बट तुम घोड़ा भी ले आए। बट दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, ट्रेसी इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। लिटरली ट्रेसी मेरी बेटी खुश है ना, तो भाई मैं भी खुश हूं। ये देखो हमारी ट्रेसी बेटी, देखो भाई साहब कितनी ज्यादा खुश है। एंड यहां पर अपना घोड़ा तो भाई एक नंबर यार लग रहा है, काफी अच्छा है दोस्तों, बहुत ज्यादा सुंदर है। क्यों मेरे बेटे आराम से है ना, और किसी को भी परेशान मत करना, ठीक है। चलिए दोस्तों मेरा ना यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, क्योंकि मैं दूसरे वाले फ़ोन पर ना अंडर वाटर माफिया और चाइनीज़ माफिया के कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो फैमिली टाइम ख़त्म होता है। चलिए मैं सबसे पहले जाकर ना, अरे तू यहीं पर खड़ा हो ना, मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहा है दोस्तों, मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, इधर आ, तेरे को यहीं पर रहना है। आ जा जल्दी आ, तेरे को अब यहीं पर रहना पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर मेरे पीछे मत आ, इन लोगों के पास रुक, क्योंकि दोस्तों मुझे ना अपना सूट चेंज करने जाना है, और यहीं पर रुक, ठीक है, कुछ नहीं करना है, चल जल्दी यहीं पर रुक। राइट दोस्तों फाइनली यार मैंने अपने यहाँ पर जो जो सूट है बेसिकली वो पहन लिया है, और अभी अमेंडा वगैरह उधर है, मैं अपनी गन को ना अंदर ही रख लेता हूँ, फालतू में उनको गन वन दिखाने से ना वो फालतू में शक वक करने लग जाएगी। चलो चलता हूँ। एंड मेरे हिसाब से अपना जो ये है घास खा रहा है इस टाइम। चलो अभी ना मेरी बात सुनो अमेंडा, इसको ना परेशान मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। जो घास वास ही खा रहा है ना इसको खाने दो, ठीक है ना। तो गाइज आपको इसका नाम बादल कैसा लगा, मैंने जो इसका नाम दोस्तों यहाँ पर बादल रखा है, प्लीज़ एक बारी कमेंट करके बताइए आपको बादल कैसा लगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ना यहाँ पर बोलते थे आरिश भाई आपको घोड़ा ले लेना चाहिए, हॉर्स खरीदो हॉर्स खरीदो, तो फाइनल दोस्तों मैंने अपने लिए यहाँ पर हॉर्स खरीद लिया है, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा और मैंने इसका नाम दोस्तों बादल यहाँ पर रखा है, ठीक है। तो आपको ये भी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, बहुत लोग बोलते थे आरिश भाई घर भी चले जाया करो। हाँ भाई ये बात तो तुम सही कह रहे हो, मेरी फैमिली ना मुझे यार यहाँ पर याद करती रहती है, तो कितने सारे मैंने डॉग्स वगैरह पाल रखे हैं, और अब गाइज मैं यहाँ पर एक बेसिकली एक घोड़ा भी लिया है, तो दिल लगा रहेगा इनका। चलिए गाइज फिलहाल मुझे जो है चाइनीज़ माफिया या फिर शायद अंडर वाटर माफिया आ रहा होगा, आई डोंट नो, मैं दोनों में से किसी को भी कॉल करके देखता हूँ। बाहर लेने आ रहे हैं, मैंने फैमिली को बोल दिया मैं कल परसों को आऊँगा, ऐसे मैंने बोल दिया, मैंने बाहर जा रहा हूँ मैं।
मैं इनको ये नहीं बताता हूँ कि मैं लॉस सैंटोस में रह रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के सामने अब बिल्कुल सीधा बन चुका हूँ दोस्तों। बाहर निकलते सबसे पहले मुझे अपनी गन निकालनी है कि भी अब मैं आ चुका हूँ माइकल द इल्यूमिनाटी के रूप में, और आज ना भाई उस लड़की की ना मैं खटिया खड़ी करने वाला हूँ। आज नहीं मैं छोड़ूंगा उसको बिल्कुल भी दोस्तों, यहाँ पर उसने बहुत यहाँ पर जीना हराम कर दिया है ना। चलिए एक काम करते हैं, पिछली गली में चलते हैं, कभी यहाँ से अमांडा वगैरह देख लेना। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, उन्हें तो छोड़ दिया मैंने। मैं इसी कोने पे खड़ा हो जाता हूँ दोस्तों यहीं पर, एंड यहीं पर दोस्तों मुझे जो है अंडर वाटर माफिया जो है या फिर चाइनीज़ माफिया अगर आ रहा होगा, आई डोंट नो दोनों में से कौन आ रहा है, वो यहाँ पर आकर जो है ले लेगा, ठीक है ना। तो गाइज यार मतलब आपको बादल कैसा लगा एक बार ये कमेंट करके बताओ भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आपको बादल कैसा लगा जो कि मैं यहाँ पर नया घोड़ा अपने लिए दोस्तों यहाँ पर जो है लेकर आया, फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से। गाइज दोस्तों मुझे यहाँ पर इंतज़ार करते करते 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैं उस जगह से यहाँ पर भी आ गया बट अभी तक भी यार कोई नहीं नज़र आ रहा है मेरे को। और शहर में तो भाई लोग बाग यहाँ पर कमी है क्योंकि जब से वो फाइट वगैरह का सीन हुआ ना तब से आ गया। ये घर चला गया था क्या यार, शिट यार। अबे देखो जरा कौन आया, अंडर वाटर माफिया चाइनीज माफिया आया है। अरे एयरपोर्ट से गाड़ी उठाकर ले आए थे क्या? तो दोस्तों फाइनली यार ये एयरपोर्ट ही गया था, सबसे पहले बोलने लग गए वाली गाड़ी तुमने वहीं छोड़ दी थी तो वहाँ से लेकर आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम मस्त लग रही है ना गाड़ी, चलो बैठो आ जाओ। ये तो अच्छा बेचारा मुझे यहाँ पर, अरे मैं चलाऊंगा, मैं चलाने वाला, उतरो तुम भाई सब, गाड़ी हम चलाएंगे तुम बैठो। काफी सुंदर गाड़ी है दोस्तों, हाँ हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, गुस्सा कर रहा है कह रहा है मैं चलाकर लेकर आया वहां पर तुमने छोड़ दी थी, बट गाइस गाड़ी बहुत सही है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा धासू स्पीड है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा धासू स्पीड है गाड़ी की, क्या बात है। मुझे ना एक काम कर दो, पीछे वाले रास्ते जाना चाहिए, चलिए क्या मस्त गाड़ी चल रही है ना दोस्तों, एक नंबर, एक नंबर गाड़ी है, एक नंबर। चलिए गाइस फिलहाल ना अभी सबके सब ये काम छोड़ने के बाद ना मुझे सबसे पहले दोस्तों अभी यहाँ पर एलएस मोटर्स जाना है, ठीक है। गाइस फाइनल दोस्तों हम एलएस मोटर्स पहुँच चुके हैं अपने वर्कशॉप पर, एंड गाड़ी को ना मैं पीछे यहाँ पर लगाना चाहूँगा। चलिए देखते हैं हमारी रिसेप्शनिस्ट आई हुई है या फिर नहीं, ऐसा बहुत टाइम हो गया। अरे आ जाओ ना यार, फालतू की गिरी कर रहे हो तुम, बहुत टाइम हो गया दोस्तों लिटरली। मैं मतलब अपने शोरूम पर यहाँ पर आया भी था एलएस मोटर्स पे बेसिकली दोस्तों, ठीक है ना। एंड यहाँ पर अपनी यहाँ पर पिंक किलर कमांडोज दोस्तों यहाँ पर खड़े हैं, चलो सही हो गया। ये देखो ना फिर कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। एंड दोस्तों मेरे हिसाब से ना आज बेसिकली कोई भी मतलब यहाँ पर शोरूम पर नहीं आया है, और वो इसलिए नहीं आया दोस्तों क्योंकि बाहर शहर में तो भाई लोग बाग है नहीं, शोरूम में थोड़ी ना आ जाएंगे, बट अपनी गाड़ियाँ यार सबकी सब सही खड़ी हैं, चलो ये बात भी अच्छी हो गई। और जो नया स्टॉक है अभी तक वो भी यहाँ पर नहीं डाला गया है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं यार। बाकी यहाँ पर S1000R हार्ले खड़ी है, गोल्ड डिविंग हायाबुसा, एंड यहाँ पर खड़ी है दोस्तों दुकाटी, ठीक है ना। मेरी बात सुनो चाइनीज़ माफिया, अरे उस दिन बताया तो था मैंने चाइनीज़ माफिया पूछा है लड़कियाँ कब रख ली, क्योंकि उस टाइम के बाद जब से हमने दोस्तों लड़कियाँ रखी थी अंडर वाटर माफिया लगातार आ रहा था शोरूम पर, बट दोस्तों ये नहीं आए थे। मेरी बात सुनो, ये लड़कियाँ ना तब रखी थी मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, जब शोरूम बिल्कुल यहाँ पर कम्प्लीट हो गया था ना काम, तब मैंने इन लड़कियों को यहाँ पर रख दिया था, क्यों सही है ना। आ जाओ चलो ऑफिस में चलते हैं आज ही दोस्तों, थोड़े से मुझे यहाँ के भी अपने अकाउंटेंट्स वगैरह दोस्तों यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे अकाउंट्स वगैरह। एक का हाँ चाइनीज़ माफिया मेरी बात सुनो, मैं ना ज़रा एक मिनट में आया तो तुम चेयर पर बैठ के ना ज़रा लैपटॉप में मेरे अकाउंट चेक करो ज़रा, दूसरी चेयर ना वहाँ पीछे रखी हो रेड वाली उसे उठा लेना, जाओ दोस्तों फिलहाल मेरा अकाउंट चेक कर रहा है, जाओ अंदर चले जाओ भाई साहब। वो देख रहे हो तुम क्या हरकतें करते हैं यार ये। बाकी दोस्तों मुझे अपने शोरूम पर ना अब न्यू गाड़ियों को स्टॉक लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अब ये वाली गाड़ी ना थोड़ी ओल्ड स्टेज हो चुकी है, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने भी डेविड को कॉल किया, वो भी अभी आ रहा है, कुछ गाड़ियां जैसे कि यहाँ पर ये ट्रक खड़ा था और ये जी वैगन काफ़ी नॉर्मल सी खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, और भी जो सुपरा वगैरह यहाँ से हटेंगी और कुछ वहाँ पर एनिमेटेड गाड़ियाँ भी नहीं आने वाली हैं, ये वाली एनिमेटेड कार्स जो है ना दोस्तों ये वाली ये भी यहाँ से हटेंगी सारी की सारी, बेसिकली जिनके अंदर ज़्यादा एनिमेशंस हैं वो वाली गाड़ियाँ मैं दोस्तों यहाँ पर रहने दूंगा, बट जो कुछ ज़्यादा ही मतलब बेचीदा सी हैं नॉर्मल टाइप की, जैसे कि आपको पता होगा मेरे पास एक बुगाटी भी दोस्तों यहाँ पर आई है गोकू वाली, तो मैं उसको भी गाइज यहीं पर खड़ी करने वाला हूँ, ठीक है ना। लॉस सैंटोस की जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ होंगी दोस्तों यहीं पर होने वाली है, तो ये काफ़ी सही सीन है, ठीक है ना। ऑलराइट
अच्छा बोलिए। तो गाइज मुझे रिसेप्शनिस्ट ने अपने पास बुलाया, लगता है कुछ बात करनी है इसको मुझसे। एक मिनट ज़रा मैं पूछ लेता हूँ क्या हुआ, मुझे बताओ क्या हुआ। ठीक है मैं समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं देख लूँगा। तो गाइज फिलहाल चाइनीज़ माफिया वहाँ पर है। चाइनीज़ माफिया इधर आना ज़रा जल्दी से, चेयर रख के इधर आओ। दोस्तों यार ये सीन काफ़ी ख़तरनाक हो गया। ये फिलहाल रिसेप्शनिस्ट ने दोस्तों मुझे यहाँ पर बताया है कोई सिमियन नाम का बंदा है जिसका शोरूम यहाँ पर आ गया है दोस्तों, और उसने ना अपना शोरूम काफ़ी हमें देख देख करना काफ़ी अच्छा कर लिया है। खैर दोस्तों और वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि वो अपने हमारे जो कस्टमर्स हैं ना उनको यहाँ पर भड़काता है, कहता है कि हम गाड़ियाँ यहाँ पर महंगी बेचते हैं LS मोटर्स वाले, और यहाँ पर आप प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट्स से गाड़ी लो तो हम आपको बहुत सस्ते दाम पर गाड़ियाँ देने वाले हैं। तो वो हमारे ग्राहकों को दोस्तों खराब कर रहा है, इस लड़की ने भी यहाँ पर यही बोला। बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर आकर ना दोस्तों शिकायत वगैरह करते हैं, तो कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। मेरी बात सुन, आजा सबक सिखाते हैं उसको, जल्दी आ गाड़ी में बैठ। इसी से जाना पड़ेगा दोस्तों, गाड़ी से और कोई इसी से, आजा आजा ग्रीन वाली से चलेंगे, है तो पास में ही ना वो। चलिए बैठ, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, RPG निकाल लेना, RPG गाड़ी के अंदर ही रखी है। चलो ये भी अच्छा हुआ इसके शोरूम पर फिलहाल कोई है नहीं। बड़ा शोरूम तो खैर दोस्तों कर लिया है, कुछ गाड़ियाँ भी अंदर खड़ी हैं, नाइस। और शोरूम में फिलहाल दोस्तों कोई भी नहीं है। एक काम करो चाइनीज़ माफिया, RPG निकाल के शोरूम को ब्लास्ट करना स्टार्ट करो। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर अंदर चलते हैं। इसकी जो गाड़ियाँ ना दोस्तों अब ये जाएंगी। मेरा मैंने गन, अरे गन तो गाइस गाड़ी में रखी, रुक जाओ जरा मैं पहले गन्स निकाल लेता हूँ। निकाल लिया मैंने बंदूक, इधर आओ मेरी बात सुनो। इसने लॉक किया हुआ है दोस्तों, दरवाजे लॉक हैं। एक काम करते हैं ना, पीछे से मारने की कोशिश करते हैं, इधर आओ। कुछ इसकी गाड़ियाँ दोस्तों अंदर तो होंगी ना, बुलेट प्रूफ ग्लास है क्या? गई, क्या बात है। ओ भाई साहब क्या बात है। चाइनीज माफिया पेलो इसको, पेलो इसकी ऐसी तैसी। भाई साहब उन्होंने गाड़ी तक को दोस्तों इसके शोरूम में जो है ना चाइनीज माफिया मेरे ख्याल से पीछे जा चुके हैं और पीछे से देख रहे हैं। दरवाजे कोई बात नहीं है क्या, कोई नहीं होगा दोस्तों चीज में। जितनी भी गाड़ियां सारी की सारी ब्लास्ट करनी है। ऑलराइट दोस्तों यार यहां पर ना इसके शोरूम के आसपास भी ना बेसिकली गेम भी थोड़ा सा यहाँ पर लैग होने लगता है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी ऐसी तैसी, चलो हमने दो चार गाड़ी दोस्तों इसके शोरूम की ना यहाँ पर ब्लास्ट कर ही दी है। आई होप कि इसको सबक मिल गया होगा। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर यहाँ पर अर्जी लेके हमारे पास भी आएगा ना, चाहे सरकार में जाए कहीं भी जाए। अरे जल्दी आओ, जल्दी बाहर आ जाओ, बहुत गाड़ियाँ ब्लास्ट हो गई इसकी, जल्दी आओ। तो दोस्तों फिलहाल ना यहाँ पर चाइनीज़ माफिया दोस्तों अंदर ही, उसकी गाड़ियों को भाई अंदर घुस के ब्लास्ट किए, क्योंकि हमने बाहर के दोस्तों जितने भी शीशे वगैरह थे ना तो गाइज वो तो हमने तोड़ ही दिए थे। जल्दी आओ, कहाँ रहेगा ये, मेरे ख्याल से अंदर ही भाई चेकिंग वगैरह चल रही है चाइनीज़ माफिया की पूरी। चलो कोई नहीं, तुम शोरूम पर आ जाओ भाग भाग के। अरे यार फिर बोलेगा मुझे छोड़कर चला गया, पता नहीं किधर है, इधर ही उधर होगा, देखता हूँ। राइट गाइज फाइनली जैसे को तैसा गाइज हमने यहाँ पर जो है दे दिया है, काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे ही दोस्तों सिमियन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि सिमियन ना हमारे साथ बेसिकली बिजनेस में यहाँ पर जो है वो गद्दारी कर रहा था। चलिए आ जाइए, आजा चाइनीज़ माफिया मेरे पीछे आ। और दोस्तों मैं आपको भी दिखाता हूँ फिलहाल कुछ गाड़ियाँ जो कि मैंने यहाँ पर मंगाई थी ना, कुछ डेविड वाले पास है, डेविड के पास है, और कुछ गाड़ियाँ दोस्तों मेरे पास भी है। आ जाओ नीचे, चलो पिलर से जाना है, इधर आओ मेरे पीछे आओ। चाइनीज़ माफिया कभी भी इस वाली लोकेशन पर नहीं आया है, इधर आओ मेरे पीछे। कहाँ गया इसका, पिलर में को रास्ता जाता है,
आ जाओ जल्दी, कहाँ गया वो? मेरे को तो दिखाई भी नहीं दे रहा दोस्तों, चाइनीज़ माफिया इधर उधर भाग गया क्या? चलो खैर कोई बात नहीं, अगर वो आएगा तो नीचे ही आ जाएगा। अबे कहाँ गया चाइनीज़ माफिया? अभी तो दोस्तों यहीं था, गाड़ियाँ वाड़ियाँ देखने भाग गया क्या इधर उधर? ख्याल से दोस्तों अंदर तो नहीं चला गया, आवाज़ें उसके अंदर से ही आ रही हैं। चलो कोई नहीं, जाकर देख लेते हैं एक बार ये मंदिर भी। फाइनली यार मैंने यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ दोस्तों फिलहाल खड़ी कर रखी हैं, VIP एंट्रेंस एंड है। हाँ भाई मुझे पता था ये नीचे ही आ गया होगा। चलिए कोई नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक एक करके गाड़ी दिखाता हूँ। ये तो आपको पता है दोस्तों फरारी जो कि मैंने यहाँ पर मंगाई थी, ठीक है, ये फरारी खड़ी है। ये खड़ी है मर्सिडीज़ GTR, निसान GTR खड़ी है, एंड और भी कार्स हैं यहाँ पर, आप सभी लोग देखिए मतलब कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं आपको एक एक की वो दिखाऊंगा। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर उससे ली थी, आपको याद ही होगा क्या ही लग रही है। जो गाड़ियों की स्पेशल पावर्स हैं वो निकाल दूंगा। चलो भाई, और एक अपनी बुगाटी खड़ी है, बेसिकली गोकू वाली है। अभी ना मैंने सोचा है कि ये दोस्तों भी प्रीमियम लेवल की कार से जो कि लॉस सैंटोस में भी किसी के पास नहीं है, इसीलिए यार मैं इन गाड़ियों को ना यहाँ पर अपने बेसमेंट में रखता हूँ, ठीक है, ताकि किसी की भाई यहाँ पर नज़र भी ना पड़े। और एक ये सियान थी दोस्तों जो कि मैं सियान आपको याद होगा मैं वहाँ से लिबर्टी सिटी से चोरी करके लेके आया था, वो मैंने घर पर नहीं रखी, मैंने यहाँ पर खड़ी कर दी है बेसिकली। इसको गाड़ी देखो गाइस, देख रहे हो? ओ भाई साहब क्या गाड़ी लग रही है दोस्तों। खैर वो भी उठ जाती है यहाँ पर, शिरोन भी उठती है, बट शिरोन के नीचे ना कोई एनिमेशन नहीं होता है, ठीक है, एनिमेटेड गाड़ी दोस्तों ये वाली है। चलो नाइस हो गया, क्या बात है, एकदम मस्त। एंड अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, ये मर्सिडीज़। अरे मर्सिडीज़ में बैठ कर ना H वाला बटन दबाओ, देखो गाड़ी कैसे लिफ्ट होगी ऊपर। गाइस मतलब ये देखिए, और मैं भी अपनी वाली उठाता हूँ, फिर देखते दोनों का एनिमेशन कैसा होता है। ऊपर उठाओ गाइस, मतलब कितना, अब ऊपर उठा चाइनीज माफिया गाड़ी को दोस्तों, मतलब क्या ही गाड़ियां लग रही हैं, देख रहे हो दोनों की दोनों कार्स ना ऐसी हैं। और भाई देखो ये वाली गाड़ियां लॉस सैंटोस में आपको किसी के पास ही नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमारे शोरूम पर दोस्तों अवेलेबल है, ठीक है ना। आ जाओ उधर जाओ। एंड गाइस ये भी सही हो गई, एक यहाँ पर खड़ी है दोस्तों फरारी। इस फरारी की खास बात मैं आपको बताता हूँ क्या है, ये चेक करें आप सभी लोग, एनिमेटेड गाड़ियाँ दोस्तों मैं यहाँ पर सारी की सारी रखता हूँ, ठीक है ना। और ये भी दोस्तों लिफ्ट के ऊपर खड़ी हो सकती, दिखाऊं आपको खड़ी करके, ये चेक करो। अगर किसी को दोस्तों मैं यहाँ पर नीचे ले आया ना, हर बंदे का दिमाग घूमने वाला है, हर बंदा ये सोचेगा ये गाड़ियाँ यार, मतलब हर कोई दीवाना होने वाला है इन कार्स का, कसम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड एक गाड़ी यहाँ पर है, ये थोड़ी ज़मीन में घुस चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो चलो वैसे हो जाती हैं गाड़ी। देखो भाई फरारी भी मैंने यहाँ पर नीचे खड़ी की हुई है। एंड मेरे पास है दोस्तों एक ये मर्सिडीज़, इस मर्सिडीज़ की भी काफ़ी अच्छी खास बातें हैं, ये देख रहे हो हर गाड़ी, मतलब ये थोड़ा लड़कियों टाइप की कार है, ठीक है, इसको लड़कियाँ अगर कुछ कस्टमर आते हैं तो भाई उनके लिए गाड़ी एकदम लाजवाब है। देख रहे हो किस टाइप का एनिमेशन हो रहा है इस गाड़ी के अंदर। एंड एक यह है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं इसमें बैठकर, ये देखो, बट ये उठती नहीं। अरे यार एक गाड़ी इसके हाइड्रोलिक्स पर खड़ी थी, उधर गिर गई, चलो कोई नहीं। बट यार निसान GTR की भी ना दोस्तों बहुत ज़्यादा फैंस हैं, इसीलिए यार मैं निसान GTR का भी ना एकदम अलग ही वेरिएंट यहाँ पर मंगवा रखा है, ठीक है। आपको पता है एक वेरिएंट तो दोस्तों ऊपर ही खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। चलो मैं इसमें बैठता हूँ, इसको सही करता हूँ गाड़ी को। नीचे हो जा, वरना तो इन गाड़ियों को सही करना भी ना दोस्तों यहाँ पर सही करके लगाना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वो तो ये सारी की सारी कार्स को ना मैंने नहीं यहाँ पर खड़ी करी दोस्तों, वो यहाँ पर डेविड खड़ी कर कर गया था। ओ भाई ये चेक करें आप, हर गाड़ी में एक अलग खूबी है, हर कार में दोस्तों एक अलग खूबी है। एक यहाँ पर ये गाड़ी आ जाती है, साइड हो जाना चाइनीज माफिए।
ओ भाई साहब गाइस, बस इन गाड़ियों में कुछ ऐसा है, कुछ ना इधर को गिरी की गिरी रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन कार्स को खड़ा करना ना दोस्तों बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इससे मुश्किल काम मेरे हिसाब से कुछ नहीं लगता मेरे को, जितना मुश्किल ये है। बाकी सारी की सारी गाड़ियाँ दोस्तों अपनी यार यहाँ पर हैं और एक से बढ़कर एक लग रही हैं। दोस्तों आपको इन गाड़ियों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन कार कौन सी लगी, कॉमेंट करके ज़ोर से बताइए, ठीक है ना। चलिए चलते हैं यार हम ऊपर। मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी की सारी गाड़ियाँ दिखा दी हैं अपने शोरूम की, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, चलते हैं अब दोस्तों। फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर। एंड दोस्तों मैंने अपने स्टार्क मेंशन पर ही अपनी इल्यूमिनेटी 5.0 सिक्योरिटी को लगवाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा जाने के बाद, ठीक है। मैंने मतलब कहाँ के लिए फिलहाल अभी वो सिक्योरिटी रखी है। फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना ज़्यादा पैसा रखने वाला हूँ ना, मैं वहीं पर उस सिक्योरिटी को भी रखूँ, ठीक है ना दोस्तों। बट उससे पहले वो जो लड़की थी ना, अब वो फाइनल दोस्तों घर पर यहाँ पर आ चुकी है। डगन बॉस की उसकी बात चल रही है और डगन बॉस ने बोला है कि मैंने माइकल को ना धूल चटा दी थी, क्या इल्यूमिनेटी बनता है, वो ऐसे बना फिरता है, उसका शोरूम भी मैं वापस नहीं कर रहा था। तो भाई दोस्तों यहां पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। और ना अब यहां पर लेस्टर भी ये बोल रहा है, क्योंकि जो लड़की है ना दोस्तों, ये गले की हड्डी बनती जा रही है मेरी, और इसके पास डगन बॉस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मेरी इंफॉर्मेशन ये डगन बॉस तक पहुंचा रही है, और ये मुझे खाने पीने में भी दोस्तों कुछ भी खिला सकती है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी यहां पर यकीन नहीं करने वाला हूं। और मुझे कुछ सबूत मिल जाए, मैं इसकी आज ऐसी तैसी कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों निकलते हैं यार यहां से। हाँ चाइनीज माफिया, जल्दी आओ बाहर। चलिए मेरी बात सुनो, गाड़ी में बैठो, जल्दी जल्दी से बैठो यार, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो मैं फिलहाल अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे ना अकेले ही उस लड़की से यहाँ पर जो है निपटना पड़ेगा, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर ना लेस्टर के पास रुको, लेस्टर दोस्तों डेविड के बेस पर है यहाँ पर। चलिए जाओ, चलो तुम अंदर जाओ, ठीक है। और जैसे ही मुझे कुछ यहाँ पर भी पता चलता है, फिर कुछ भी होता है ना, मैं सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। और राइट दोस्तों, चलिए गाइस डेविड तो जा रहा है, सॉरी चाइनीज माफिया तो यहाँ पर जा रहे हैं। अब दोस्तों यार मुझे उस लड़की से यहाँ पर एक बारी मिलने जाना चाहिए, देखता हूँ यार एक बारी मिलके उस लड़की के यहाँ पर दिलो दिमाग में क्या है क्या नहीं है। और ऊपर से ये गाड़ी देखो यार, ये प्योर बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ कार है, ठीक है ना, काफ़ी मस्त लगती है यार। चलो अब जल्दी से चलता हूँ दोस्तों, मैं उस लड़की के पास जाकर उससे मैं सीधा आमने सामने पूछने वाला हूँ कि मेरे को तू बता, तो यहाँ पर चाहती क्या है और डगन बॉस ने तुझे यहाँ पर क्यों भेजा। या तो दोस्तों मैं उसको टॉर्चर करूंगा, अब मैं उसके प्यार में नहीं उतरने वाला हूँ दोस्तों बिल्कुल भी। लड़की का चक्कर बाबू भैया हमेशा बर्बाद कर देता है, इसलिए थोड़ा अपना पेंट बचाकर रहना चाहिए, समझ गए। राइट गाइस, फाइनल दोस्तों मैं एप्लिक्स टावर पे यहाँ पर दोस्तों आ चुका हूँ, और अब मैं भाई सीधा उस लड़की से यहाँ पर पूछने वाला हूँ कि बता क्या सीन है क्या नहीं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलते। वेट वेट वेट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वही है क्या, वही लड़की है दोस्तों, वही लड़की है, ये ऑडी में वही लड़की है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको पता नहीं है लैम्बोर्गिनी मेरी है तो कुछ पता भी नहीं चलेगा आराम से। ये जा कहाँ पर रही है, कल तो दोस्तों यार यहीं पर थी, यहाँ पर दोस्तों पार्टी थी आपको याद होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी देखना है लड़की जाती कहाँ है, आराम से आज दोस्तों मैं सीधा से पूछने वाला हूँ, बता डगन बॉस का क्या प्लान है। अगर इसने ना बताया ना तो आज मैं इसको दोस्तों जान से मार दूंगा, रियली मैं आज मैं इसको जान से मारने वाला हूँ, बस बहुत मतलब सिर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। जा कहाँ पर रही है ये, खैर इसके अंदर से देख भी नहीं पाएगी वो। ऑलराइट आराम से, अबे साइड होना गाड़ी वाले, कुछ शक तो नहीं हो गया, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ तभी दोस्तों हल्के हल्के गाइस यहाँ पर जो गाड़ी चला रही है, इस लगता है इसको शक हो गया है। मैं तो अपनी गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर देता हूँ, रुक गई दोस्तों रुक गई। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा भीड़ में ना यहाँ पर छुपने की कोशिश करता हूँ इस तरफ से, ऐसे शायद से उसको मेरा कोई भी यहाँ पर व्यू वगैरह नजर नहीं आ रहा होगा। जल्दी जल्दी जल्दी, ऑलराइट
इधर कहाँ मुड़ गई गाइस। उसने गाड़ी तेज भगानी स्टार्ट कर दी है। आई डोंट नो कहाँ जा रही है, बट भाई साहब इसने ना चक्कर पे चक्कर घुमा रखे हैं। ठीक है, फिर से ऊपर चल दी। ये तो वापस उधर ही जा रही है दोस्तों। जाना किधर है भाई इसको? इसको ना पक्का दोस्तों कहीं ना कहीं इधर आसपास ही जाना है, नाटक कर रही है। वहाँ रुक गई। ऑल राइट, मैं भी यहाँ पर रुक जाता हूँ, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ चुपचाप, आराम से। मैं ऐसा खड़ा हो जाता जैसे कि मुझे पार्किंग में गाड़ी को दोस्तों यहाँ पर जो है लगाना है। ऑल राइट, तो दोस्तों फाइनली वो लड़की यहाँ पर उतर चुकी है और वहाँ पर अंदर गई है। कोई दिक्कत की बात नहीं, भी देखते हैं कहाँ जा रही है। दोस्तों मेरे को यहाँ पर खड़े खड़े दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, बट हाँ फाइनली आ गई। चलो कोई नहीं, अपनी गाड़ी को थोड़ा आगे रखता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ लेकर आई है अंदर से। गाइज इनके बहुत ज़्यादा खुफिया मतलब वो चल रहे हैं लग रहा है भाई मेरे को। ये गाड़ी के अंदर बैठ गई, मैंने नज़र रखी हुई है पूरी। गाड़ी मेरे पास आ रही है क्या? नहीं, गाड़ी घुमा ली इसने, घुमा ली। चलो ओ भाई, लड़के कैसे ठोक ठोक कर गाड़ी चला रही है ये। ऑलराइट, मेरे हिसाब से इधर ही मुड़ेगी ये। इधर मुड़ के कहाँ जा रही है? रुक जाओ। मेरी गाड़ी का साउंड आ सकता है, मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। रुक जा। ऑलराइट दोस्तों, लड़की अपनी गाड़ी को लेके उस शटर के अंदर जा चुकी है एंड वहाँ पर उतर गई। चलो कोई नहीं, एक बारी पहले मेरे को ना देखना पड़ेगा गाइस यहाँ पर क्या है क्या नहीं। चलो आराम से, क्योंकि भाई देखो इस लड़की से दिल यहाँ पर माइकल द एलुमिनाटी ने लगाया था, तो भाई इस लड़की को मतलब सबक सिखाने का काम भी हमें ही करना पड़ेगा। गाड़ी तो मैंने बाहर खड़ी कर दी है, वेपन है ना मेरे पास। चलो सही है, पिस्टल निकाल लेता हूँ मैं अपनी। फाइनली और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों अंदर जाने का इस रास्ते के अलावा। देखो जरा, ओके वो पीछे है, पीछे। रुक जा दोस्तों, मैं आराम आराम से चलता हूँ, बिल्कुल आराम आराम से, उसको शक ना हो। ऑलराइट, वो यहाँ पर आकर कॉल कर रही है दोस्तों किसी को। ठीक है, यहाँ पर आकर ये लड़की कॉल कर रही है किसी को, और इस जगह पर मैं पहली बार आ रहा हूँ। आई डोंट नो, तो मैं बोलता हूँ अपने हाथ ऊपर कर ले अब जल्द से जल्द, वरना तो बस तेरी खेकड़ी बिरान करने वाला हूँ मैं। ठीक है ना? ऑल राइट दोस्तों, वो इधर उधर घूम रही है, अब बस यही मौका है। हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, इधर आओ, यहाँ आओ, जल्दी फटाफट आओ, जल्दी। देखो अब मेरी बात सुनो, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मुझे बोल रही है गोली मत चलाना प्लीज। इधर देख, इधर मेरी बात सुन, इधर आ। वो देख रही है, ऐसे ही मैं तेरे अंदर भी आग लगा सकता हूँ। मुझे तेरे ऊपर इस टाइम इतना गुस्सा आया हुआ है, समझ गई तू? इतना गुस्सा आया हुआ मुझे इस टाइम तेरे ऊपर। तो दोस्तों यार, इसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है, प्लस मैंने यहाँ पर कुछ जगह में आग तो लगा दी है, वो तो जस्ट ऐसी करो कोई नहीं लग गई। सबसे पहले अब मुझे ये बता, मेरे पास क्यों आई थी, किसने भेजा था, यहाँ का राज क्या है, तू यहाँ पर क्या करने आई है? मेरे को सब कुछ जानना है, मेरे को, जल्दी बोल जल्दी। तो दोस्तों यार चलिए, मैं ना इससे यहाँ पर पूछता हूँ कि मेरे को बता, डगन बॉस ने तेरे को यहाँ पर क्यों भेजा था? क्यों भेजा तेरे को डगन बॉस ने? ये मरने का ना नाटक मत कर। ओ माई गॉड, ये मरने का नाटक कर रही है, मर चुकी है। ऑलराइट दोस्तों, खैर गद्दार तो थी यार वो लड़की, और आज मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी यहाँ पर रहम नहीं करा, और बस यार मुझे मौत के घाट उतारनी थी। ठीक है, मुझे इस टाइम इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था, मैंने मतलब उसके एक गोली मारी है, ठीक है, बट उसके सीधा यहाँ पर लगी है दोस्तों, और मेरे हिसाब से भी वो मरी नहीं है, बट यहाँ पर उसका बहुत सारा दोस्तों ब्लड वगैरह जो है निकल गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिलहाल मैंने उस लड़की को दोस्तों इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर डाल दिया है, उसी की ऑडी में। मुझे इस जगह की छानबीन करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये लैपटॉप्स वगैरह जो हैं इनकी ऐसी की तैसी,
मैं किसी सामान को हाथ में लगाऊंगा। ये क्या है? कुछ मॉनिटर्स रख रखे हैं बड़े बड़े। ऑल राइट, यहाँ पर दोस्तों कुछ सर्वर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कोई हैकिंग बेस होने वाला है शायद से। एक जनरेटर है और यहाँ पर एक बॉम्ब भी है दोस्तों। ठीक, एक बॉम्ब भी है। ऑल राइट, ये तो किसी टनल का रास्ता लग रहा है। ओके, ये भी है। ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है। मेरे को बच्चे से ना यहाँ की तलाशी लेनी पड़ेगी। इधर क्या है? दरवाज़ा लॉक है, कोई नहीं। बट मैं इस जगह को ब्लास्ट तो कर सकता हूँ ना, इसकी ऐसी तैसी। ठीक है, ये सामान को भी साथ में ब्लास्ट कर देते हैं। चलो 3, 2, 1। ये ऐसी है? गाइज, ओ माय गॉड दोस्तों। अच्छा, मेरी अब समझ में आया है वो लड़की यहाँ पर क्यों आई थी। दोस्तों ऊपर से तो काफी नॉर्मल सा है, ऊपर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट यार दोस्तों इन लोगों ने यहाँ पर एक टनल खोली हुई है। अच्छा वाह, मैंने इसको पकड़ा यहाँ पर आकर। फाइनली मैं इस टनल में तो कूद गया। तो ये रास्ता जा रहा है, बट मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। रास्ता जा किधर रहा है? बट दोस्तों जाना भी होगा, मुझे वेपन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। एक बार ना दोस्तों मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि अंदर ऐसा है क्या। बट मेरे को थोड़ा सा डर सा तो गाइज लग रहा है, क्योंकि भाई इन लोगों ने टनल यहाँ पर खोली क्यों है और ये टनल का रास्ता कहाँ जा रहा है यार। देखते हैं एक बारी, चलो चल के। नहीं यार, हम आराम आराम से चलते हैं, कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी गहरी टनल इन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो है खोली हुई है, और मेरे हिसाब से काफ़ी अंदर तक है। वेट 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 वेट, ये क्या है? मेरे को फ़ोन निकालना पड़ेगा अपना। गाइज, इस टनल में बहुत सारे एवॉन वाले गार्ड्स हैं। लाइक जैसे कि ये जो हमारे पास सिक्योरिटी है ना, ये उतने खतरनाक नहीं है, बट नॉर्मल है। इनको गोली से भी मारा जा सकता है, बट काफ़ी टाइट सिक्योरिटी है। बट इनकी तो ऐसी तैसी करनी ही पड़ेगी ना। शिट शिट, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ। ये पक्का मुझसे लड़ने यहाँ तक तो आएंगे ही, पक्का यहाँ तक लड़ने आने वाले हैं। आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आओ आओ तुम्हारी। दोस्तों इनको मारने के लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, निकलो यहाँ से। भाई साहब कितने बंदे हैं यार। अब ऐसे तो नहीं मर रहे तो यहाँ मैं मशीन गन निकालता हूँ। हटो हटो हटो, बॉम्ब फेंकना तो क्या। शिट, ये तो ऊपर ही लग गया। अबे यार कुछ अलग ही वो देखना पड़ेगा। इससे भी इनको मारा जा सकता है। हट तेरी, हट तुम्हारी ऐसी तैसी। अबे यार ये गन भी काफी स्लो है। नाइस गाइस, मतलब मैंने देख रहे हो टनल के अंदर इनका यो मुन्ना ताता तुन्ना बना दिया। निकलो ना, चलो तुम्हारी ऐसी तैसी। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे ना, मैंने आधे ज्यादा दोस्तों जला भी दिए। देख रहे हो, आवाज सुनो भाई इनकी। आगे भी हैं, निकल ना। गए 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 गए। शिट 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 शिट। गाइस मुझे जो मतलब मुनासिब यहां पर लगा मैंने वही किया, इनको जला दिया टनल के अंदर ही।
तू जल के भी नहीं मर रहा क्या तू? गया 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 तेरी ऐसी की तैसी। गया 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 सारे के सारे जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स दोस्तों यहाँ पर थे ना, मैंने सबको मौत के घाट उतार दिया है। अब आराम आराम से मैं चलता हूँ। Motherfucker! मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई है, बहुत सारे हैं। I will put you in the fucking hospital. हट तुम्हारी ऐसी की तैसी, हट हट। सबके सब दोस्तों मैंने जलाकर मार दी, जला के इनको जल्दी से मारा जा सकता है। हट, पीछे भी तू भी जा, तो तू मरेगा नहीं यार, अब तो मरेगा तू। गए गए गए। आई थिंक सो दोस्तों मैंने जितने भी थे ना सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को दोस्तों यहाँ पर मार दिया है। ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है? कोई दरवाजा टाइप है, कुछ अलग ही मेरे को चीज ये लग रही है। इसके आर पार जा सकते हैं क्या? देखता हूँ दोस्तों कुछ। ऑलराइट दोस्तों, यार इस जगह का दरवाजा बेसिकली यहाँ से खुलता है। और ये मैं कौन सी लोकेशन पर आ गया भाई, ये क्या है? ओ माई गॉड दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देखिए यार, कितने बड़े बड़े दोस्तों डायमंड के पीसेस यहाँ पर दोस्तों पड़े हैं। खैर अपनी तो लॉटरी लग चुकी है, मुझे पता था भाई पक्का ये डगन बॉस की किसी खास लोकेशन पर ही आएगी। और ये देखो कितने बड़े बड़े डायमंड हैं, प्लस यहाँ पर छोटे डायमंड भी और बड़े डायमंड भी दोस्तों भरे पड़े हैं। ये देखो, ओ माई गॉड, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर छोटे पीसीस के डायमंड्स हैं। देख रहे हो कितने डायमंड हैं, और यहाँ पर कितने बड़े बड़े दोस्तों डायमंड पड़े हैं। यार मुझे ना पहले दोस्तों यहाँ पर समझ जाना चाहिए था, मतलब कि वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा होशियार है यार, और वो ऐसी ही जगह यहाँ पर कहीं पर आएगी। अभी मुझे सबसे पहले यहाँ पर चीज़ करनी है, जो मैंने इल्यूमिनाटी 5.0 मंगाया है ना, उनको अभी मैं डायमंड यहाँ से लेकर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं मतलब उनको वहाँ पर खड़ा करता हूँ इस लोकेशन पर, ताकि अब कोई भी डगन बॉस का आदमी ना आ पाए, उससे वो निपट ले। प्लस इसको हम बाद में देखेंगे यार, यहाँ पर इसकी कीमत यहाँ पर कितनी है। बट दोस्तों आपको क्या लगता है, इस डायमंड को देखकर इसकी यहाँ पर कीमत कितनी होने वाली है? कितने बड़े बड़े डायमंड्स भी दोस्तों यहाँ पर पड़े हैं, आप ये तो देखो भाई साहब, मेरे जितने बड़े डायमंड्स यहाँ पर पड़े हैं। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए ना, तो मेरे हिसाब से दोस्तों इन डायमंड्स की कीमत यहाँ पर होने वाली है अरबों से खरबों रुपए में, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही होने वाला है। एंड ऐसा ही है भाई साहब, इनको देखने के बाद चलिए यार मैं सबसे पहले यहाँ से निकलता हूँ उस टनल के रास्ते से। चलिए, ये मेरे को बहुत चीज़ पसंद आई है यार, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। मतलब इतने सारे डायमंड्स मिल गए यार मुझे, बिल्कुल मुफ्त में मिले हैं। खैर वो जो लड़की थी, मैं उस लड़की को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मुझे डगन बॉस के आधे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में यहाँ पर पता चल गया। डगन बॉस पक्का मुझसे यहाँ पर बदला लेगा, क्योंकि मैंने उसके बहुत सारे गार्ड्स को यहां पर मार दिया है। और जिस लड़की से वो यहां पर मोहब्बत करता था, मैंने उस लड़की को भी मौत के घाट दोस्तों यहां पर जो उतार दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब उस लड़की की यहां पर प्रॉब्लम थी, उसने मेरे को यहां पर धोखा क्यों दिया, ठीक है ना। चलिए मैं चलता हूं दोस्तों ऊपर यहां पर। वेट, ये बंद हो गया क्या? ये बंद कैसे हो गया ये? ऑलराइट दोस्तों, चलिए इसको भी यहां पर लगा देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, फाइनली अब समझा मैं ये बंद कैसे हुआ था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उस लड़की की लैपटॉप भी वैसे ही है, ना ही कोई ब्लड के निशान है। लड़की कहाँ पर है? गाड़ी में कोई लड़की भी नहीं है। सरप्राइज़ की बात तो देखो, गाड़ी में कोई लड़की भी नहीं है। मुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए था, वो लड़की बहुत ज़्यादा होशियार है दोस्तों। मैंने उसके यहाँ पर गोली भी मारी, बट उसको गोली यहाँ से छूकर निकल गई, उसका काफ़ी ब्लड निकला। मैंने उसको गाड़ी में डाला था, उसने फटाफट यहाँ से ढका और वो भाग गई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आने दो, आएगी तो यहीं पर ना, जाएगी कहाँ दोस्तों।
आना तो उसे यहीं पर पड़ेगा। चलो सबसे पहले मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को दोस्तों यहाँ पर जो है बुला लेता हूँ, उसके बाद ही देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर आगे क्या करना है। 5 मिनट में तुम यार यहाँ पर मिलो जल्दी से, ठीक है ना। मेरे हाथ एक बहुत खतरनाक खजाना लगा है, बट लड़की वो जो है निकल गई है। हाँ चलो कोई बात नहीं, जल्दी से सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर आओ जल्दी। तो गाइस यार हैं, मैं हमेशा क्यों फंस जाता हूँ यार दोस्तों। अभी जस्ट यार मैंने फोन रखा था एंड मुझे यार खुद ही चले जाना चाहिए। चलो डगन बॉस ही दोस्तों सामने खड़ा है, मैंने भी अपनी सिक्योरिटी बुला ली है, डरने की कोई बात नहीं है। 5.0 सिक्योरिटी आ रही है भाई। डगन बॉस दोस्तों सामने खड़ा है, मैं कैसे भूल गया, वो लड़की बच गई थी। वो खड़ा हुआ ताली बजा रहा है। तुझे क्या लगा मैं मर जाऊंगा या फिर मैं किसी चीज़ के पीछे रहूँगा? डगन बॉस मैं तुझे बर्बाद करना चाहता हूँ, और अपने दिमाग में नाम बिठा ले माइकल द इल्यूमिनाटी। जब यहाँ पर छोटा बच्चा सो जाता है ना, और सोता नहीं है, रोता है रात को, तो उसकी माँ बोलती सो जा बेटा सो जा, नहीं तो माइकल द इल्यूमिनाटी आ जाएगा। तू शायद से जानता नहीं है मेरे को, जो तू ताली बजा रहा है ना बेटा, खेल मेरा नहीं, खेल तेरा ख़त्म यहाँ पर हुआ है दोस्तों। यार यहाँ पर डगन बॉस ना बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है बोल रहा है। मेरी बात सुन, सबसे पहली बात, लड़ाई यहाँ पर तूने स्टार्ट की है, मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसी फाइट वाइट स्टार्ट नहीं की। और अगर तू मर्द का बच्चा है ना, तो इतनी हाईटेक सिक्योरिटी, ब्लूजेट सिक्योरिटी लेकर आया, इतनी सारी तेरे पास सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, तो सिक्योरिटी के साथ क्यों आया? अगर तुझे, मुझे पता है उस जासूस लड़की ने ही तुझे इस बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया और वो भाग गई यहाँ से, मुझे सब पता है। फालतू की बकवास मत कर मेरे साथ बिल्कुल। ऐसे डगन बॉस ने दोस्तों मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करवा दिया, मैं अकेला देख कर ना, मुझे तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई, ये सिक्योरिटी वाले बहुत खतरनाक है, इनका ध्यान पे। अब मुझे किसी तरीके से अपनी गाड़ी में, इसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ होने वाली है दोस्तों, अपनी गाड़ी तो क्या, इस लड़की की गाड़ी में बैठ जाता। अबे खुल ना, शुट 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 शुट, चलो बुलेट प्रूफ तो है दोस्तों इसकी गाड़ी कम से कम। हटो तुम्हारी ऐसी की तैसी। दोस्तों डगन बॉस ने ना मेरे साथ यहाँ पर चीटिंग की है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, जो तूने यहाँ पर चीटिंग की है ना, इसका बदला मैं तुझसे यहाँ पर जरूर लूंगा, और बदला अभी होगा, टेंशन ना ले बिल्कुल भी तू। दोस्तों ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, ये ऑडी ना बुलेट प्रूफ है दोस्तों। और इस वाले सिक्योरिटी गार्ड्स के पास ना दोस्तों गाड़ी को ब्लास्ट करने की वो पावर नहीं है, ब्लैक कमांडोज के पास भी नहीं है, ठीक है ना। एक बार यहाँ पर इल्यूमिनेटी 5.0 तो आ जाए, इनकी तो ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। हटो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो मैं ऐसी गाड़ी से भी गिरा सकता हूँ, क्या बात कर रहे हो, हट। दोस्तों बस मुझे इंतजार है तो यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड्स का, एक बार यार वो यहाँ पर आ जाए ना इनकी पुंगी बजाने के लिए बस। अरे डगन बॉस ना हटो तुम्हारी ऐसी की तैसी, हटो 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी, हटो बेटा तेरा भी खेल खत्म है डगन, टेंशन ना ले तू, तू भी यहाँ पर तरसेगा अपनी मौत के लिए। बट वो तो चाहो दोस्तों, मैं फाइनली इस गाड़ी में बैठ गया था ऑडी में, क्योंकि मैं बच गया। एक काम करता हूँ, मैं ना दोबारा से अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पर बुलाता हूँ, एक बार कॉल करता हूँ कि भाई जल्दी आओ यहाँ पर, बहुत खतरनाक फाइट छिड़ चुकी है, इसी रास्ते से मैं बुलाने वाला हूँ अपनी सिक्योरिटी को। गाइस फाइनली थोड़ी देर करने के बाद खैर आ तो गए, तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा अच्छा तूने क्या समझ लिया, तेरी ऐसी की तैसी, तू यहाँ पर निकल जाएगा तुम्हारी तो। गाइस मैं गाड़ी में से निकाल रहे थे, चलो फाइनली मैं गाड़ी में हूँ, एंड दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है इल्यूमिनेटी 5.0, देख रहे हो, अब नहीं बोलेंगे कुछ, इनकी तो खटिया खड़ी करेगी 5.0। अब मैं आराम से खड़ा हो जाता हूँ दोस्तों, मुझे यहाँ पर कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब कुछ नहीं हो सकता है। हट ना, देख रहे हो दोस्तों मतलब किस तरीके से ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पर ऊपर छुपे हुए हैं, कैसी की तैसी। ये देखो हमारी इल्यूमिनेटी सिक्योरिटी ने क्या पेल रखा है यार इन बंदों को, अब तो खत्म कर, इनको जल्दी से खत्म करो।
बाकी दोस्तों यार ये इनको खत्म करता है ना, मैं फटाफट जगह डगन बॉस को देखकर आता हूँ। तो यहाँ से भागा तो नहीं है ना, इधर भी ये सिक्योरिटी है, रुक जाओ। अब तो मेरे वाले सिक्योरिटी गार्ड संभाल लेंगे इनको। चलो आराम से, कोई नहीं है, देखता हूँ। डगन का बच्चा भागा तो नहीं है ना दोस्त? बेटा तुम तो लगे रहो यहाँ पर अपनी फाइट के अंदर। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी चलता हूँ, ये डगन बॉस को पकड़ने का ये बिल्कुल खतरनाक मौका है। अरे मुझे पता ही था गाइज, मैं ही नहीं मतलब डगन बॉस ही मुझसे इतना यहाँ पर डरता है दोस्तों। उसने भी ये देख लिया कि माइकल की यहाँ पर सिक्योरिटी आ गई है और मेरे बंदों को भी उन्होंने पेलना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों एकदम डगन बॉस की पुंगी ख़राब हो गई और एकदम भाग गया उसकी ऐसी की तैसी। बट उसकी गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी हैं ना, गार्ड्स तो काफ़ी सही हैं पर मुझे रखनी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे इन गाड़ियों में। ऐसी की तैसी, मुझे ना ही डगन बॉस की उसमें और ना ही किसी चीज़ में दोस्तों कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी की सारी गाड़ियाँ ब्लास्ट कर दी भाई तुम्हारे भाई ने। चलो चलता हूँ नीचे। यार वो डायमंड वाली जो जगह है ना दोस्तों, ऐसे ही लेना चाह रहा था, वो सोच रहा था हलवा है, इन्हें तो ऐसे ही रख लूँगा मैं। चलो अपनी ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है, कुछ नहीं होगा। गोली भी लग गई ना तब भी कुछ नहीं होगा, बट हमारी इल्यूमिनेटी सिक्योरिटी ने भाई संभाल लिया हर चीज़, अब हर चीज़ संभाल ली है। चलो ये भी अच्छा हो गया। बाकी दोस्तों चलो इस वाली गाड़ी को तो ना मैं इसी लोकेशन पर यहाँ पर खड़ी करता हूँ जहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स वगैरह है ना दोस्तों, यहीं पर खड़ी करेंगे इस गाड़ी को। इस गाड़ी में हमारा कुछ ऐसा है भी नहीं, उस ऑडी को लेकर जाना है मुझे। शायद से भाई उस लड़की का कुछ ब्लड वगैरह ऑडी में पड़ा हो जिससे कि मैं डीएनए टेस्ट वगैरह कुछ करवा सकूं, या फिर उसका किसी तरीके से पता निकल जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन हो गाड़ी के अंदर, तो हमें वो भी यहाँ पर जो है हासिल करनी है, ठीक है ना। बाकी इनकी हालत देखो भाई साहब, ये सिक्योरिटी गार्ड देखो भाई कैसे यहाँ पर घूम रहे हैं। इनको भी ये लग रहा होगा भाई आज तो खतरनाक लोगों से पंगा पड़ गया है, आज पड़ा है बेसिकली इनका खतरनाक लोगों से पंगा। क्या बात है, अरे मारो ना इसको, इसकी ऐसी तैसी बैठा हुआ है यहाँ पर। चलिए दोस्तों क्या ही ऑडी है, पक्का दोस्तों कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इस गाड़ी से जो है मिल सकती है। एंड यहाँ पर तो देखो यार मतलब हमारे इल्यूमिनेटी 5.0 ने इन बंदों की दोस्तों पुंगी बजा दी है, देख रहे हो। इल्यूमिनेटी 5.0 सिक्योरिटी भाई इस दुनिया की सबसे हाईटेक और टॉप क्लास सिक्योरिटीज में से एक है दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। चलो तुम लड़ो और इनकी ना चटनी बनाकर रख देना, चटनी बनाकर जो होता है दोस्तों हमारे इल्यूमिनेटी 5.0 तो इसकी सिक्योरिटी यहाँ पर चटनी बना करना दोस्तों, यहाँ की सिक्योरिटी करने लग जाएंगे भाई साहब। मैं ना ऐसे सोच रहा था कि हमारी सिक्योरिटी कुछ है नहीं, ये देखो आ गए, आए बड़े कल के आए हुए लड़के हमें सिखा रहे हैं। गाइस गाड़ी बहुत हैवी बुलेट प्रूफ है, चलो इसको लेकर अब मैं चलता हूँ। यहाँ पर लड़ाई होने देते हैं दोस्तों, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स ना खुद संभाल लेंगे और इनकी ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है ना। चलो फाइनली मैं इस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलता हूँ। डगन बॉस तो दोस्तों भाग गया, तुम्हारे भाई से इतना डरता है ना दोस्तों डगन बॉस मैं बता नहीं सकता। चलो यार आराम से इस गाड़ी को लेकर चलता है सबसे पहले बेनी के पास। क्या पता इस गाड़ी के अंदर दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर से कोई GPS वगैरह लगा हो या फिर कुछ भी ऐसा डिवाइस हो जिससे कुछ पता चल सके, ठीक है ना। क्योंकि उस लड़की की पर्सनल गाड़ी, ये वाली कार मैंने नहीं दी थी उसको, आई डोंट नो उसके पास आई कहाँ से ऑडी, और इस गाड़ी का पता इसलिए चला है, स्पेशल कार है क्योंकि दोस्तों बुलेट प्रूफ है, ठीक है ना। तो बुलेट प्रूफ गाड़ी का पता करने के लिए सिर्फ बेनी है दोस्तों हमारा, जो कि इस बारे में हर चीज़ दोस्तों यहाँ पर पता करके बता देगा, ठीक है ना। चलते हैं इस गाड़ी को लेकर जल्दी से दोस्तों बेनी के पास। दोस्तों फाइनल दोस्तों मैं यहाँ पर बेनी के पास आ चुका हूँ, अभी आपको पूरा सीन बताऊंगा कि सीन क्या हुआ है। फिलहाल मैं पानी वगैरह पी रहा हूँ दोस्तों, चलिए पी लिया। डस्टबिन तो एकदम बैनी यहाँ पर बता कर भी नहीं रखता कहाँ पर है। चलो मैं अपनी बॉटल को यहीं पर रख देता हूँ, नाइस। चलिए तो गाइस फिलहाल ये बैनी ने नई वर्कशॉप दोस्तों यहाँ पर ओपन की है, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों ये किस जगह पर है। एंड यहाँ पर ये रही ऑडी जिसको भाई लिफ्ट कराया हुआ है ऊपर, ठीक है ना। एंड लिफ्ट के साथ साथ यहाँ पर ये चेक करिए गाड़ी के अंदर से क्या निकला है। चार चार मिसाइल बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं दोस्तों जो कि सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं।
और ये हो ना हो पक्का, कल जो दुबई का दोस्तों शेख आया हुआ था ना, उसी ने दोस्तों यहाँ पर डग्गन बॉस को दिए थे, और डग्गन बॉस ने यह वाली ड्यूटी दोस्तों इस लड़की को दी थी कि तू जा, और जाने के बाद वो जितने भी वो है ना ये जो मिसाइल्स वगैरह दोस्तों पक्का जहाँ पर डायमंड्स रखे ना उसी लोकेशन पर ये जो है लगाने वाले थे। बट उससे पहले यार मैं गाड़ी को यहाँ पर ले आ रहा दोस्तों, मैंने चारों के चारों ये जो मिसाइल्स बेसिकली निकलवा लिए हैं। अब यहाँ पर बेनी ने दोस्तों मेरे को यहाँ पर बताया है कि ये जो गाड़ी है ये पैलिटो बे के अंदर एक गैरेज है वहां से खरीदी गई है, और हो ना हो वो डग्गन बॉस के काफी मतलब खुफिया इलाकों के बारे में जानता होगा। अगर दोस्तों हम उस शोरूम वाले से बात करते हैं, अगर बात करने से ठीक होगा तो ठीक है, वरना तो मैं सीधा कनपट्टी पे गोली रखने वाला हूँ। अगर वो ऐसे हमारी बात यहाँ पर मानता है और अगर हमारी मदद करता है डग्गन बॉस तक पहुंचने के लिए, ठीक है, और अगर मैं डग्गन बॉस की गाड़ी के अंदर बेसिकली जो GPS भी मैंने यहाँ पर लगाया था ना वो ख़राब हो गया, क्योंकि जब उसके घर के अंदर ना उसने एक प्रोफेशनल ऐसी शील्ड लगाई हुई है, जब गाड़ी वहाँ से निकलती है तो बच जाता है कि सायरन के गाड़ी के अंदर कुछ अनवांटेड चीज़ लगी हुई है, तो वो भी दोस्तों GPS भी निकल गया था, बेफालतू में मेरी मेहनत बेकार गई, कल आपने देखा होगा, ठीक है। बट कोई दिक्कत की बात नहीं यार, हमें मिसाइल्स तो खैर मिल चुकी हैं जो कि किसी गलत हाथों में नहीं पड़ी इस ऑडी के अंदर से, प्लस इस ऑडी को यहाँ पर किसने बेचा था और वहां पर खरीदने कौन आया था, कल दोस्तों मैं पैलिटो पे जाने वाला हूं और उस बंदे से यहां पर दोस्तों पूछने वाला हूं। आशा रखता हूं कि आज का एपिसोड दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, लगा तो कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलिए आज ये कल वाली वीडियो पर आपने कितने कमेंट्स यहां पर दोस्तों किए थे, चलिए जाइए उनको भी यहां पर दोस्तों रीड वगैरह कर लेते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग यहां पर बहुत अच्छे होंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत इससे कर लेते हैं, मैं अपना वेबकैम थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ये मैं बेसिकली बड़ा इसलिए करता हूँ ताकि आपसे अच्छे से बातचीत दोस्तों यहाँ पर हो सके, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। नाइस एपिसोड टुडे आरिश भाई। अरे यार व्यूज तो आए नहीं आज के एपिसोड पे, बेसिकली कल वाला जो एपिसोड था उसके ऊपर दोस्तों, क्योंकि एज रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी इस वजह से नहीं आए। थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस, लव फ्रॉम हरियाणा, दिल से सपोर्ट, माई प्लेजर। आरिश भाई थैंक यू, वी नीड ओल्ड फ्रैंकलिन सीरीज, यस भाई करेंगे। रमजान मौला मेरे भाई ने यहाँ पर फाइनली दोस्तों हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिया है, एलुमिनाटी गैंग ज्वाइन कर लिया है। तो भाई आप अब रमजान भाई आप अब हमारी गैंग के हिस्से बन चुके हैं भाई, लव यू, वेलकम। एंड भाई ने क्या, भाई नाइस एपिसोड, आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था, देखकर बहुत मजा आया भाई, एक दो टू व्हीलर भी शोरूम परचेज कर लो भाई, ऐसे ही दिल से सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। रमजान भाई आप बहुत बोलते हो, मतलब दो मतलब बाइक्स का भी शोरूम करूँ मैं सोच रहा हूँ बाइक्स का भी करने के लिए, चलो करेंगे, ठीक है। बिग फैन ब्रो, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वीडियो ओपी लगता है, इल्यूमिनेटी 5.0.0, थैंक यू सो मच एलसी लोंडा, अब पता चला आप बंगाल के रहने वाले हो मेरे भाई, ओके। लव फ्रॉम हैदराबाद, कौन कौन आरिश भाई को दिल से सपोर्ट, भाई सभी करते हैं। आरिश भाई आप हो सकते हो दो आवर का स्पेशल वीडियोस बनाओ, 30 मिनट का, लव फ्रॉम गोवा, दिल से सपोर्ट आरिश भाई, ओके। दीप ब्रदर लव यू टू, यार गोवा के बारे में बता तो दो भाई, मैं घूमने आना चाहता हूँ भाई, योर वीडियोज इज ओपी। लव फ्रॉम जालंधर, थैंक यू सो मच, कूल वीके। लव फ्रॉम महाराष्ट्र, यू आर द बेस्ट GT5 गेमर, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, आरिश भाई सुपर स्टार, भाई इंट्रोवर्टर माफिया को स्पेशल गन आपने दी थी ना, साइंटिस्ट 5.0 सिक्योरिटी को वही दे दो, ठीक है भाई करेंगे। GT5 कम बैक, दिल से सपोर्ट आरिश भाई, लव यू, दिल से सपोर्ट आरिश भाई। ओपी वीडियो भाई, थैंक्स फॉर एंटरटेनिंग अस, वी नीड ओल्ड AK टेक्निकल पॉइंट, दिस इज ओल्ड AK टेक्निकल पॉइंट। लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम बिहार, फनी पार्ट जब तुमने कहा मैं बिल्कुल भी टॉयलेट साफ करने वाला नहीं हूँ, हाँ भाई ये बात तो था, मैं टॉयलेट साफ तो करने ही नहीं वाला था। लव फ्रॉम पाकिस्तान, हाय भाई, लव फ्रॉम गोवा ओपी, लव फ्रॉम बिहार अरवाल, नाइस ब्रदर, नाइस ब्रदर, ओपी वीडियो ब्रो, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग आयुष भाई, आयुष भाई नाइस वीडियो, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम आयुष भाई, बेस्ट पार्ट भाई लास्ट पार्ट इज माई बेस्ट पार्ट, थैंक यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, भाई वेस्ट बंगाल से भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं भाई, लव यू आप सभी लोगों को, और आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है यार, दिक्कत हो रही है आज कुछ, मतलब फीवर सा था मुझे और क्या कहते हैं पूरी बॉडी में मेरी पेन था, बट और मैं तुम्हें बताऊँ मैंने कुछ खाया भी नहीं है यार, बट फिर भी वीडियो तो देखो बनानी थी ना यार, मैंने बनाई। नाइस वीडियो ब्रदर, नाइस वीडियो भाई, आपका एपिसोड देखे बिना नहीं रहा जाता। लव फ्रॉम इंडिया अरमान चौधरी, हमारे चैनल के नए मेंबर, यानी कि इल्यूमिनाटी गैंग के मेंबर, ये देखो इनके ऊपर ये वाला लोगो आ रहा है,
ये हमारी इल्यूमिनाटी गैंग के मेंबर हैं। वेरी नाइस एपिसोड आरिश भाई, आई लव यू आरिश भाई, यान लव यू टू। अच्छा भाइयों ने बोला है, दीप ब्रदर ने, थैंक यू मेरे भाई। गोवा की तरह तरह की बीचेस हैं, नॉर्थ गोवा बीचेस, मोजिम बीचेस, बेगा बीचेस, कॉन्डियम बीचेस, सब बीच हैं भाई। ठीक है चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं दीप भाई, मैं जब भी वहां पर आऊंगा ना मैं तुमसे जरूर मिलूंगा गोवा में आने के बाद, ठीक है मेरे भाई, लव यू। आरिश भाई 5.0 इज गुड। मिस्टर एफ एफ 420 YT आर्मी, दोस्तों हमारे चैनल के नए मेंबर, स्वागत है आपका इल्यूमिनाटी गैंग के अंदर मेरे भाई। आई लव यू ब्रदर, लव यू टू मेरे भाई, आई लव यू गाइज, ओपी 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 भाई। नाइस वीडियो आयुष भाई, जान क्या है भाई, लाइक कर दो, ठीक है भाई। आयुष भाई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू टू भाई। एलसी लौंडा लव यू भाई, लव यू ब्रदर भाई, लव यू दिल से मेरी जान, थैंक यू। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, लव फ्रॉम गुजरात, लव फ्रॉम बांग्लादेश, वाओ बहुत हार्ड एपिसोड, 5.0 इज माई फेवरेट, आई एम बिग फैन, नाइस, लव यू ब्रदर, लव यू भाई, वेरी नाइस एपिसोड, ओके ओपी 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 चल्ला भाई पूरा, थैंक्स, ठीक है, नाइस नाइस नाइस, म्यूजिक वर्ल्ड ओके, ऑलराइट दोस्तों। गगन गेमिंग ओपी, यहाँ पर साहिल पी सिंधी भाई साहब चल रहे हैं पूरा, फिर केटीएस जॉन आ चुके हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर देवाशी गेमिंग आ चुके हैं, केटीएस जॉन साहिल पी रेहान रेहान पिंटू यहाँ पर चल रहे हैं, और केटीएस जॉन आ चुके हैं दोस्तों, फिर यहाँ पर साहिल भाई हैं, देवासी गेमिंग जोन, देवासी गेमिंग जोन है, गेमिंग विद एन और राइट, साहिल पी सिंधी, और यहाँ पर मोहम्मद नाकी हमारे भाई यहाँ पर चल रहे हैं, म्यूजिक वर्ल्ड एडिट बॉय 444 वाईटी, नाइस नाइस नाइस, एडिट बॉय 444 वाईटी, नाज पट्टे फाड़ी, अलसद अंसारी, गगन गेमिंग भाई यहाँ पर आ चुके हैं, और किंग ऑफ गॉड, और एक ही टेक्निकल पॉइंट बॉस, एक ही टेक्निकल पॉइंट बॉस, क्या बात है भाई साहब। अंशु शर्मा यहाँ पर हैं, और यार साहिल पी सिंधी, आरिश भाई इल्यूमिनाटी 5.0 अपने साथ रखो, ठीक है भाई। यहाँ पर ललित शर्मा भाई हैं, ललित शर्मा, ललित शर्मा गेमिंग विद एन, गेमिंग विद एन, राजकुमार, साहिल पी सिंधी थे ऊपर, और राजकुमार राजकुमार राजकुमार, सीमा बनाद्री, गगन गेमिंग एक टेक्निकल पॉइंट बॉस, अंशु शर्मा, लव यू ब्रदर, आई लव यू, आई लव यू, ओपी 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 ओपी, के टी एस जॉन, ओपी 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 ओपी, एलसी लौंडा भाई चल रहा है, एलसी लौंडे ने भी भाई पूरी तबाही मचा रखी, के टी एस जॉन, फिर एलसी लौंडा, एलसी लौंडा, एलसी लौंडा, अरिशि दिल से आपको सपोर्ट करते, थैंक यू सो मच मेरे भाई। भाई अल्लाह से आप, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे, आपकी YouTube फैमिली बहुत ज़्यादा हो जाए, लव यू भाई। मोहम्मद रियान से थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपकी भी सारी दुआओं को कबूल फरमाए। आरिश भाई, भैया आपको एक बात बताना चाहता हूँ दिल से, बोल रहा हूँ नहीं कि आपसे नहीं पढ़ेंगे, दिल से कर रहा हूँ बिना देखे, उस दिन थोड़ा सा रहता मेरे दिल को प्यार, देखते खुशी हो जाता है, कैसे हो जाता है खुशी को, ऐसे दिन पता देना बड़े बड़े भैया, बोल दीजिए क्यों रहता है मेरे दिल में, वीडियो को दूसरे घंटे डालना, मैं उस दिन क्या किया है, मैंने पिछले वीडियोस दे दूँ उसको दे दिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव यू। गेमिंग विद एन चल रहे हैं यहाँ पर, और मोहम्मद नाकी भाई हैं, मोहम्मद नाकी, म्यूजिक वर्ल्ड, म्यूजिक वर्ल्ड, द टॉक्सिक्स, द टॉक्सिक गॉड है बेसिकली, अलसद अंसारी हैं यहाँ पर, अलसद अंसारी, फिर गेमिंग गगन, बेसिकली गगन गेमिंग है, और रेहान पिंटू भी यहाँ पर चल रहा है, साहिल पी सिंधी, गेमिंग वर्ल्ड, के टी एन जॉन, और एलसी लौंडा, और म्यूजिक वर्ल्ड, अलसद अंसारी, साहिल पी सिंधी, गेमिंग विद एन, मोहम्मद नाकी, म्यूजिक वर्ल्ड, प्रेम सोलाना की, अलसद अंसारी, के टी एस जॉन, गगन गेमिंग भाई साहब, एलसी लौंडा, इन लोगों ने भाई तबाही मचा रखी है कमेंट बॉक्स में, तबाही तबाही वाला सीन करते हैं लोग। अच्छा भाई इतनी मेहनत वीडियोस बनाते हो, सारे जल्दी से लाइक करो। हाँ भाई मोहम्मद भाई थैंक यू भाई, प्लीज़ चेंज द हेयर स्टाइल भाई, कर लेंगे 1, 2, 3, 4, आज भाई सुपरस्टार, थैंक यू, 5 पॉइंट इज़ ग्रेट, यू आर सो इल्यूमिनाटी बॉस भाई, मुझे शाउट आउट दे दो। एम डी अब्दुल हसंत हेमाल महल, शाउट आउट टू मेरे भाई। भाई आप इनकार का शोरूम खोलो और अपनी लिए रोल्स रॉयस की लिमो परचेज करो। आरिश भाई लव फ्रॉम दिल्ली, रेड लाइन शोरूम बेसिकली इंडियन कार्स का ही होने वाला है और काफ़ी जल्दी खुलने वाला है दोस्तों शोरूम,
ये भी करना है मेरे को, एलसी लोंडा दोस्तों यहाँ पर, एलसी लोंडा, और यहाँ पर साहिल पिसिन दीन, मोहम्मद नाकी, अलसद अंसारी, गगन गेमिंग, एलसी लोंडा, मोहम्मद रियान, 5.0 इज़ गुड, सबको 5.0 अच्छी लगी, साहिल पिसिन दीन, आयुष भाई आप डगन बॉस को मारो भाई, मारेंगे जी सही है। आयुष भाई इतने हार्ड भेजा है मैंने, कैमरा पीसी ऑफ हो गया था। ओ भाई साहब यहाँ पर देख लो, ये देखो यहाँ पर अशफाक नूरी हमारे भाई ने कितने सारे हार्ट भेजे हैं और इनका पीसी भी बंद हो गया था भाई साहब, क्या बात है भाई। आपने सिक्योरिटी के लिए भी कार्स रखो ठीक है, ईद मुबारक आरिश भाई। इल्यूमिनेटी 3.0 वर्सेस 5.0, 3.0 5.0 सेम है, हाँ बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो 3.0 गाड़ियों को ब्लास्ट नहीं कर सकती जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बट 5.0 कर सकती है, समझ गए। ओपी 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 5.0 इज बीस्ट भाई, ये तो है। आरिश भाई माइकल दादा को कोई नहीं मार सकता, नहीं भाई माइकल दादा कोई नहीं मार सकता जब तक माइकल दादा के पास वो इल्यूमिनाटी का लॉकेट है। ब्रदर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इल्यूमिनाटी 5.0 लेना अच्छा है, आई लव यू ब्रदर, प्लीज़ गोकू वाली कार का रिव्यू कर दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुगाटी शिरोन प्लीज़ खरीदो, किंग ऑफ GT5 ऐसे ही एपिसोड बनाते रहना, आज का एपिसोड ने मौज कर दी बेटे, आई लव यू वेरी वेरी मच, मेरा कमेंट पिन कर दो भाई, पढ़ लो अगली वीडियो एपिसोड में, लव फ्रॉम नेपाल AK पर जवान मेरे भाई, थैंक यू, लव यू मेरे भाई, आपका कमेंट चलो मैं पिन कर देता हूँ, चलिए मैंने कर दिया क्या दोस्त उनका कमेंट पिन। हेलो ब्रदर, लव फ्रॉम राजस्थान, पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी एक बात मान लेना, बिग माफिया और एल रूबियो के आर्किड में बहुत बड़ा बेस है रूम के टनल के अंदर, उसमें बहुत सारा कैश और गोल्ड है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम ऐसा ही कर लेंगे यहाँ पर, वहाँ पर कैश और गोल्ड जितना भी दोस्तों होगा ठीक है ना। ऑलराइट मैं ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो करने वाला हूँ, नाइस। आज भाई डगन बॉस को फटाफट ख़त्म करें कि आगे सीरीज चलाएं, हाँ भाई ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, आपने मंच पर शार्क रख लो ठीक है भाई, भाई पूरा तगड़ा लगा के अटैक करो, मत डरो विद फुल पावर, ठीक है भाई, भाई दिल से इतने दिल दूंगा किसी किसी ने सोची ना होगी भाई, ये बात भी चलो सही है, किसी ने सोची तो होगी नहीं। KTA जॉन ट्विंकल ट्विंकल लिस्टर आज भाई सुपरस्टार रुद्रना, आज भाई अपनी सारी प्रॉपर्टी में इल्यूमिनेटी 5.0 खरीद लो, बिग माफिया की सीक्रेट टनल में भी रख दो प्लीज़, यार मेरी ये बात सुन लो यार, आप मेरी कोई बात नहीं मानते हो इसीलिए मैं आपको गैंग में अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ यार ये कर दो, ठीक है भाई रुद्रनाथ भाई ज़रूर करेंगे कल वाली वीडियो में, पर आप यहाँ पर गैंग में ज्वाइन होने चाहिए ठीक है, मैं भी यहाँ पर आपको पहले बोल देता हूँ, आप डायमंड कार्ड्स कैसीनो भाई बाय कर लो ठीक है मेरे भाई, कर लेंगे। आरिश भाई अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे, आरिश भाई आपके ऊपर कोई भी परेशानी ना आए, आरिश भाई आपकी सब विशेष पूरी हो जाए, अल्लाह ताला आपकी आरिश भाई की हर तरह को पूरी करे, प्लीज़ भाई प्लीज़ मैं रोज़ जाना टारगेट लाइक टारगेट पूरा करवाना, प्लीज़ आपसे मांगता हूँ कि आरिश भाई की दुआ मांगता हूँ मैं आपको पुण्य के लिए, बहुत ज़्यादा घमंड कैसे हैं मगर मेरे सारे कमेंट्स छोड़ दे, सिर्फ 4-5 कमेंट आपसे मेरे बड़े बड़े भाई प्लीज़, आज भाई दिल से बुरा लगता है, टेक्नो गेमर्स लूजर भाई इस कमेंट दिन ज़रूर पूरा होगा, आज भाई बेस्ट ड्यूटी भाई दरअल आश भाई आपको ईद मुबारक, अद्बुल सलाम खान मेरे भाई लव यू मेरे भाई, जैसे तुम्हारे मेरे भाई हो ना, जब तक तुम जैसे मेरे भाई मेरे साथ हो ना मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, समझ गए मेरी मतलब। ये देखो मैंने अपने भाई का कमेंट पे भी हार्ट दिया है ठीक है, मतलब कि ऐसा दिल खुश हो जाता है जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि मेरी फैमिली हो यार तुम लोग, लव यू मेरे भाई, ईद मुबारक आपको भी। आह भाई एक ईयर की वीडियो में फ्रैंकलिन भी लेकर आओ भाई, ले आएंगे अभी उन्हें काम तो करने दो। समीर गौर भाई इल्यूमिनेटी 5.0 को अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए रख लो प्लीज़, ठीक है रख लेंगे, बेसिकली पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, आज मेरे पास अटैक हुआ था तुमने देखा होगा तो वही मुझे बचाने आए थे, भाई इतने सारे हार्ट दूंगा किसी ने सोची ना होगी, भाई इतने सारी इमोजी दूंगा किसी ने सोची ना होगी भाई देवाज भाई भी यहाँ पर मस्त चल रहे हैं म्यूजिक बीट्स, आज भाई सबसे बड़ा एक पर्सनल आइलैंड ले बना लो भाई, मैं लोगों की कॉपी नहीं करता हूँ क्योंकि लोग अभी अपनी वीडियोस के अंदर आइलैंड बना रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता मैं किसी की कॉपी करूँ इसलिए,
5.0 is good. यहाँ पर अशफाक नूरी भाई का रिप्लाई में भी चल रहे हैं पूरे. चलो सही है यार, ये भी रिप्लाई में पूरे चल रहे हैं भाई अशफाक नूरी. चलो सही है. आरिश भाई माय नेम इज़ आर्यन भाई. 5.0 एलिमेंट ले लो, कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है. 2.0 के कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा. सॉरी बट भाई दिन में आप मेरे कमेंट पढ़े नहीं हैं. पहली वीडियो बंद हो जा रहा है. ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही कर लेंगे. चलो एलिमेंटरी 5.0 5.1 ले लो. ठीक है भाई, यो यो मुन्ना कर देंगे तादा तुन्ना भाई. बी एम डब्ल्यू अपने लिए पर्सनल रख लो प्लीज़. इल्यूमिनाटी 5.0 आयुष भाई 5.0 इल्यूमिनाटी लव फ्रॉम बांग्लादेश. बी एम डब्ल्यू का शोरूम ले लो नेक्स्ट एपिसोड में, ले लेंगे भाई. यहाँ पर देखो हमारे अशफाक नूरी भाई भाई कैसे चल रहे हैं. यहाँ पर एल सी लौंडा हैं. अशफाक नूरी भाई ने तो पूरे के पूरे यहाँ पर इमोजीज कह रखे हैं. लव यू मेरे भाई, तुम भी बहुत अच्छे हो मेरे छोटे भाई जैसे यार. तुम भी इतने सारे हार्ट दूंगा किसी ने सोची ना होगी. क्या बात है, एक ही टेक्निकल पॉइंट बॉस. और यहाँ पर दोस्तों आ चुका है मेरा छोटा भाई. ये दोस्त है मेरा छोटा भाई. किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा इतने भेज दें भेजेगा. ओ भाई साहब, वो इतने सारे भेज दिए इन्होंने हार्ट यार, मैं क्या ही बताऊँ. लव यू मेरे छोटे भाई, ये मेरा छोटा भाई है दोस्तों. ये देखो कितने सारे हार्ट भेजता है यार ये. मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे. ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, दिल ही दिल भेज रखे हैं. यहाँ पर अशफाक नूरी भाई हैं. पूरे खतरनाक कमेंट्स होते हैं यार मेरे तो एकदम भाई. रेड रेंजर सिक्योरिटी ले लो जो बंकर में था. डगन बॉस के साथ सिक्योरिटी ले लो प्लीज. ठीक है भाई, कर लेंगे. ये देखो भाई साहब, अशफाक नूरी भाई ने पूरी फट्टे फाड़ रखे हैं आज. अशफाक नूरी भाई ने भाई फट्टे फाड़ दिए सबके. ये देखो आपको पहचान रहा हूँ कि कोरोना कोरोना वायरस. अच्छा भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन पूछेगा आपके. ठीक है भाई, ऐसे ही कर लेंगे. चलो यहाँ पर अशफाक नूरी भाई भी देखो पूरे फॉर्म में. आज तो अशफाक नूरी भाई भी पूरे फॉर्म में. देख रहे हो कितने कमेंट कर रखे हैं यार इन्होंने. लव यू मेरे भाई, लव यू. तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो बिल्कुल. ये देखो कितने कमेंट भाई. अशफाक भाई तुमने दिल जीत लिया यार, मजे दिला देते हो यार तुम कभी कभी. चलो ये भी दोस्तों गुड हो गया. आई होप के मैंने सबके कमेंट्स यहाँ पर पढ़ लिए. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज थोड़ी तबीयत ख़राब है ठीक है, और यहाँ पर मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं वेट भी यहाँ पर करता हूँ ठीक है. थोड़ी तबीयत भी ख़राब है एंड बस यार और क्या ही चलेगा ठीक है ना. बस उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी ठीक है. और आज की वीडियो पर खैर ऐसा कुछ भी यहाँ पर ना है ठीक है. बाकी यार मैं मिलूँ आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. आप सब लोग दोस्तों यहाँ पर खुश रहिए. बाय बाय.